आगे हम लोग शुरू कर सकते हैं। स्वागत है आलोक भैया। ठीक है। सभी का एक बार फिर से यथायोग्य अभिवादन, स्वागत, नमस्कार। आज चौथे दिन के दूसरे सत्र में हम लोग हैं और इस बात को समझने का हम लोग प्रयास करने वाले हैं कि मानव का जीना अपने साथ परिवार में होने के साथ साथ समाज में भी हो ही रहा है। तो समाज में व्यवस्था कैसी डिजायर्ड है ना? हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है समाज की व्यवस्था को लेकर, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और उसको देखने से पहले एक बार इस बात को फिर से अपने कल्पनाशीलता में देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारी एस्पिरेशन है, मूल चाहना क्या है? क्या हमारी मूल चाहना निरंतर सुख और समृद्धि पूर्वक जीने की ही है? तो इसको हम लोग जितनी स्पष्टता से अपनी कल्पनाशीलता में देख पाते हैं, उतनी स्पष्टता से इस बात के लिए प्रश्न बनता है कि आखिर सुख है क्या। और फिर उस सुख को हम लोग देखने गए तो ये पाया कि सुख तो संगीत है, व्यवस्था है, अपने में व्यवस्थित होके जीना ही सुख है। एक बार निराशा में है ना, बिना कंट्राडिक्शन के, बिना द्वंद के जी पाता हूं तो मैं अपने आप में आराम में रहता हूँ, सुख में रहता हूँ। फिर ये बात आती है कि निरंतर सुखी होने के लिए सिर्फ क्या मेरा सुखी होना ही पर्याप्त है? तो दिखता है कि नहीं, हमारा जीना जहां जहां भी है वहां वहां व्यवस्था कैसे बनी हुई है, उस व्यवस्था को समझना और उसको जीना, ये जो इसकी आवश्यकता है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने पहला दिन, दूसरा दिन ये बिताया और उसमें ये जांचने परखने का काम किया कि मानव अगर अपने साथ जी रहा है, इंडिविजुअल में है, तो उसकी व्यवस्था क्या है, अपने होने की व्यवस्था क्या है। उसमें हमने मानव में व्यवस्था, मैं में व्यवस्था है ना, मैं में व्यवस्था के साथ साथ कैसे स्वास्थ्य और संयम इंश्योर हो सकता है, कैसे समृद्धि इंश्योर हो सकती है, इस बात को हम लोगों ने पहले दिन देखा। दूसरे दिन हम लोगों ने परिवार, इनफैक्ट तीसरे दिन हम लोगों ने परिवार के बारे में है ना चर्चा की कि परिवार का मूल क्या है ना, आधार क्या है। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा कि संबंध ही परिवार का आधार है। एक मानव दूसरे मानव के साथ संबंध पूर्वक जीता है तो परिवार की व्यवस्था बनी रहती, एक व्यवस्थित परिवार दिखता है। लेकिन फिर ये प्रश्न बनता है अपने में कि आखिर ये जो संबंध है इनका आधार क्या है और संबंध है क्या? तो फिर हम लोगों ने ये अपने में देखने का प्रयास किया कि संबंध मैं का मैं से है या मैं का शरीर से है। और एक्सप्लोर किया तो ये पाया कि संबंध तो मैं का मैं से है और मैं में कुछ भाव हैं जिनकी संख्या 9 है ना। ये भाव निश्चित है ना। तो इन भावों को जितना जितना मैं अपने में है ना समझ पाता हूँ, उस आधार पर पहचान पाता हूँ, जीता हूँ, इवैल्यूएट करता हूँ है ना, और राइट इवैल्यूएट कर पाता हूँ, तो मैं भी सुखी होता हूँ, दूसरा भी सुखी होता है। इसी को न्याय कहा, इसी को म्यूचुअल फुलफिलमेंट कहा परिवार में। फिर ये बात आई कि मानव का जीना तो समाज में भी है, तो समाज की व्यवस्था को हम लोग समझने का प्रयास आज करेंगे। लेकिन उसको शुरू करने से पहले इस बात को फिर से मैं अपनी तरफ से कह देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हम लोग कह रहे हैं या जो कुछ भी आपको कहीं से भी सुनने को मिल रहा है, उसको प्रस्ताव की तरह लें और उस प्रस्ताव को जांचने का प्रयास करें जिसका आधार है सह स्वीकृति। एक बार उस प्रस्ताव को मैं अपनी सह स्वीकृति के आधार पर जांच पाता हूँ, फिर अगर जी के देखता हूँ और म्यूचुअल हैप्पीनेस है ना, उभय सुख और उभय समृद्धि अगर इंश्योर हो पाता है, तो वो प्रस्ताव मेरी समझ का हिस्सा बन जाता है, वो प्रस्ताव ठीक लगता है। क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए ठीक नहीं है, वो मेरे परिवार में रहने वाले लोगों के लिए भी ठीक है, मेरे आसपास समाज में रहने वाले लोगों के लिए भी ठीक है।
क्योंकि म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्परिटी उस प्रस्ताव से निकल के आ रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि समाज में व्यवस्था क्या कैसे बन सकती है, उसको हम लोग देखते हैं। उससे पहले इस बात को हम लोग अपने में फिर से रिकैप जरूर कर लें कि एक मानव के तौर पर जो हमारी आवश्यकता है वो क्या है और उसका ऑर्डर क्या होगा। तो आवश्यकता तो तीन ही तरह की दिखाई देती है कि मानव के लिए समझना एक आवश्यक बात है। उस आधार पर संबंध पूर्वक जीना ये उसकी दूसरी आवश्यकता है, है ना, द्वितीय प्रायोरिटी है उसकी। उस क्रम में दूसरे स्थान पर संबंध, क्योंकि संबंध बिना समझ के हम जीने जाते हैं तो संबंध में जो म्यूचुअल फुलफिलमेंट अपेक्षित है, जो उभय सुख अपेक्षित है, वो हो नहीं पाता। ऐसे ही समझ के आधार पर जब मैं सुविधा को, है ना, अपने और अपने परिवार में सुविधा को की आवश्यकता को पहचान पाता हूँ तो उससे ज्यादा का उत्पादन कैसे हो, उसके लिए क्या स्किल ठीक हो, उस स्किल को भी सीख पाता हूँ। और इसके आउटकम के तौर पर म्यूचुअल प्रॉस्परिटी, उभय समृद्धि अपने में मैं देख पाता हूँ। फिर इस समझ के आयाम को हम जब फैला के देखें तो ये कहा कि चार स्तर की व्यवस्था जहाँ मानव का जीना हो रहा है, उस व्यवस्था को समझना और उस व्यवस्था के आधार पर जीना, उसी को सही समझ कहा, है ना। तो इतनी बात हम लोगों ने पिछले सेशन से पहले, है ना, पिछले दिन में की थी। यहां तक अगर किसी का कोई ऑब्जर्वेशन हो तो एक प्रश्न मेरे ख्याल से भैया ले लेते हैं। जी भैया, नीति जी हैं, नीति चतुर्वेदी मैम और हेमंत निगम सर, आप दोनों के पास माइक है, अपना माइक अनम्यूट करके आप बात रख सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी सर। मेरा क्वेश्चन आज के सत्र को लेकर नहीं है सर, एक्चुअली फीडबैक जो मांगा गया था कल हमसे, उसकी एक कंफ्यूजन थी सर, वो मुझे समझ में नहीं आई थी, एंड इसी के रिगार्डिंग सर मैं उसको हेल्पलाइन पे फोन करके दीदी आप ले सकती हैं, है ना। तो फिर हाँ सर, तो कोई बात नहीं, फिर हम बाद में कर लेंगे, सत्र बहुत अच्छा चल रहा है सर जी, ठीक बात, कंटिन्यू हम करते हैं सर जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समाज में व्यवस्था के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जब हम समाज कह रहे हैं तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं समाज के बारे में, मतलब किसको समाज कह रहे हैं। तो देखेंगे तो जो परिवार है मानव का, है ना, कई परिवार साथ साथ अगर जी रहे हैं तो समाज कह रहे हैं, है ना। तो परस्पर पूरकता के साथ अगर कई परिवार, है ना, आपस में रह रहे हैं तो उसी को समाज कह रहे हैं। और समाज की एक मौलिक इकाई जो है वो परिवार है, और परिवार की एक मौलिक इकाई इंडिविजुअल मानव है, ना, व्यक्तिगत मानव जो है वो एक मौलिक इकाई। समाज को देखेंगे तो वो परिवार से एक बड़ी व्यवस्था है। तो फिर ये बात आती है कि किसे समाज कहेंगे। तो उसके लिए ये कहा जा रहा है कि समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास करने वाले कई परिवारों के साथ मिलकर रहने से समाज का निर्माण होता है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास हो रहा है। तो इसको हम लोग सेशन के आगे में समझेंगे कि क्या समान लक्ष्य हो भी सकता है क्या किसी समाज में, और ये जांच परख करने का विषय रहेगा पूरे सेशन का कि क्या समाज में रहते हुए मानवों का लक्ष्य, है ना, एक हो सकता है या ये एक कंसेप्ट ही है, है ना, होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको भी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। साथ साथ जो भी हम लक्ष्य तय करेंगे मानव के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्था है वो क्या आवश्यक व्यवस्था बनानी होगी, उस बात पर भी हम लोग चर्चा करेंगे इस सेशन में। और उस व्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए सिस्टम कैसा चाहिए, क्या सोपान होंगे, कैसे वो लक्ष्य पूरा होगा, उस पर भी हम लोग एक ब्रीफ चर्चा करेंगे। तो ये तीन बिंदुओं पर चर्चा हम लोग समाज के बारे में करने वाले हैं। और उससे पहले, है ना, उसी क्रम में इनफैक्ट ये तीन तरह के ऑप्शंस दिखते हैं समाज में, है ना,
कि तीन तरह के ऑप्शंस के साथ समाज हो सकता है। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि समाज में जो भी परिवार रह रहे हैं वे उनका लक्ष्य समान हो, है ना, एक समान लक्ष्य के साथ परिवार सारे रह रहे हो, ऐसा समाज हो, एक ऑप्शन तो ये दिखता है। दूसरा ऑप्शन ये दिखता है कि हम साथ साथ रह रहे हैं, है ना, परिवार में, और कई परिवार साथ साथ रह रहे हैं, उन परिवारों का और परिवारों में लोगों का लक्ष्य अलग अलग है, साथ तो रह रहे हैं लेकिन लक्ष्य अलग अलग है। एक तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है ना, कि हम साथ रह रहे हैं, लक्ष्य तो अलग है ही, लेकिन मेरा लक्ष्य दूसरे लक्ष्य के विरोध में है, मेरे परिवार का लक्ष्य दूसरे परिवार के लक्ष्य के विरोध में खड़ा है, अगर मेरा लक्ष्य पूरा होगा तो मेरे पड़ोसी का लक्ष्य कहीं ना कहीं बीट कर जाएगा, है ना, कहीं ना कहीं पूरा नहीं होगा। तो ये तीन तरह के ऑप्शन समाज में दिखाई देते हैं। तो आप बताएं कि इन तीनों ही ऑप्शन में, चैट बॉक्स में आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इन तीनों ही ऑप्शन में किस ऑप्शन को आप समाज कहना चाहेंगे, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जी जीते वक्त तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि समान लक्ष्य के साथ जी रहे हैं, दूसरा यह है कि साथ जी रहे हैं बट लक्ष्य हमारा अलग अलग है, संबंध नहीं दिख रहा है, तीसरा यह है कि वो, है ना, अच्छी बात है कि आप में से ज्यादातर लोग इस बात को देख पा रहे हैं। हेलो भैया, रिफ्लेक्शन भी ले सकते हैं क्या? जी भैया, एक रिफ्लेक्शन भी हम लोग दे सकते हैं चैट बॉक्स के साथ साथ। तो जैसा कि रिफ्लेक्शन में दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं कि वांछनीय क्या है, लोग परस्पर पूरकता के भाव के साथ रहें, लोग साथ रहें परंतु परस्पर पूरकता का भाव ना हो, और तीसरा ऑप्शन है लोग आपस में विरोध करें, संघर्ष करें। और वर्तमान में हम किस स्थिति में, अच्छी बात है, इन बिटवीन हम प्रश्न भी भैया एक ले सकते हैं। दिनेश जी का हैंड रेज है, दिनेश भैया। जी सर, नमस्ते। सर यहाँ से थोड़ा सा पहले से है, न्याय के चार तत्व तो मुझे सही क्रम समझ नहीं आए थे, बाकी तो न्याय तो समझ में आ गया था। जी, मैं भी सुखी हो रहा हूँ और दूसरे भी सुखी होते हैं, इसे न्याय कहेंगे, परंतु न्याय के जो चार तत्व तो हैं वो समझ नहीं आ रहे। क्रम, क्रम, न्याय के क्रम, चार क्रम। हाँ, तो आप कुछ ब्रीफ कर पाए, आपने अभी पूछा था हमसे, आपने उसमें क्विज में पूछा था, तो वो बिल्कुल, मतलब मैंने ऐसे उत्तर दे दिया, गलत हो सही हो पर कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो मैंने सोचा पूछ लूंगा सर से। तो न्याय को अगर देखें तो जब भी मैं ये देख पाता हूँ कि संबंध मैं का मैं से, पहला पॉइंट, दूसरा ये कि मैं में, है ना, मैं में जो भाव है, मैं में फीलिंग्स हैं जो कि मुझे नेचुरल एक्सेप्टेबल है, क्या मैं में फीलिंग्स हैं, सेल्फ में फीलिंग्स हैं, हाँ हाँ, है ना, हाँ, तो संबंध का जो आधार है वो फीलिंग्स हैं जो कि मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल है, मतलब ऐसी फीलिंग्स की बात कर रहे हैं जो नेचुरली एक्सेप्टेबल है, ठीक है, किस मतलब आप सेल्फ के लिए, सेल्फ में। तो पहला पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो संबंध है वो हाँ, मैं का मैं से है, हाँ, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये जो मैं है ये भाव है और वो भाव मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल है, तो जैसे विश्वास अच्छा, का भाव, सम्मान का भाव, हाँ, स्नेह का भाव, हाँ, वात्सल्य, है ना, नौ भाव बताया आपने, जी भाव, तो ये मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल है, इनमें से कोई भाव ऐसा नहीं है तो मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल ना हो, इस बात को एक्सप्लोर करने के लिए कहा। ठीक ठीक है, ये भी न्याय है जी। नहीं नहीं, ये न्याय नहीं है सर, ये भी इसके एक एक मतलब है ना। तीसरी बात ये समझने वाली है कि ये जो भाव है ये अपने में निश्चित है, है ना, हाँ, तो या तो ये है या तो नहीं है,
बीच की स्थिति नहीं है, तो हाँ या तो ठीक है विश्वास का भाव हम में है या नहीं है, हाँ हाँ अनुमान का भाव हम में है या नहीं है, और ये निश्चित। हाँ बिल्कुल ठीक। चौथी बात ये कही गई कि जब भी मैं अपने में समझ के आधार पर है ना इन भावों को अपने में देख पाता हूँ, आप पहचान पाता हूँ, जी पाता हूँ, इवैल्यूएट कर पाता हूँ, अर्थात राइटली इवैल्यूएट कर पाता हूँ, तो मैं भी सुखी होता हूँ और दूसरा मानव भी सुखी होता है। इसको न्याय कहा। सर ये लाइन फिर से बोलिए सर आप, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट थोड़ी सी। जी जी देखिए बात तो देखें बहुत गहरी है दिनेश भैया जी सर, है ना, न्याय जैसी जो बात है वो बहुत समग्रता के अर्थ में जी सर, इसलिए तो समझ रहा हूँ सर। तो उसमें बात ये कही जा रही है कि जो भाव है उन भावों को मैं अपने में सही के आधार पर देख पाता हूँ, अर्थात पहचान पाता हूँ, और पहचानने के आधार पर जी पाता हूँ, समाधानित हो पाता हूँ, ऐसा कर लें। हाँ, समाधान जब होगा तो अपने में सही भाव दिखेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। अपने में एक बार सही भाव दिखते हैं तो हाँ। जब मैं जीने जाता हूँ तो उन भाव के आधार पर जीता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और समझ आ रहा है। इवैल्यूएट करता हूँ सही के आधार पर इवैल्यूएट करता हूँ तो मैं भी सुखी होता हूँ और दूसरा मानव भी सुखी होता है। ये हो गया, सही में समझ आ गया है ना जी सर, बिल्कुल समझ आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, ठीक है। थैंक यू सर। रिफ्लेक्शन को देखें, रिफ्लेक्शन जैसा आपने दिया उस रिफ्लेक्शन में ये बात निकल के आ रही है कि आप में से करीब करीब 86% लोग ये बात कह रहे हैं कि परस्पर पूरकता के भाव के साथ जीना ही वांछनीय। तो अच्छी बात है कि हम में से है ना 86% लोग इस बात को कह रहे हैं। और हम में से स्थिति को जब पूछा गया तो स्थिति में हम में से 43% लोग ये कह रहे हैं कि परस्पर पूरकता के भाव के साथ है ना हम जी रहे हैं। तो ये काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं कि 43% लोग परस्पर पूरकता के भाव से जी पा रहे हैं। 41% लोगों का कहना यह है कि साथ रहे परंतु परस्पर पूरकता का भाव नहीं है ना, तो दूसरे नंबर पर है। तीसरा यह है कि लोग आपस में विरोध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, तो काफी ऑनेस्ट ओपिनियन हम सभी का दिख रहा है। तो जो ये तीनों ऑप्शन है तो उसमें परस्पर पूरकता के साथ रह रहे हैं अर्थात समान लक्ष्य, पूरकता नहीं है, संबंध को नहीं देख पा रहे हैं, लक्ष्य अलग अलग है, तो ये स्थिति है। इनको कहेंगे क्या, एक नाम दे देते हैं। तो नाम देने जाते हैं तो ये दिखता है कि समान लक्ष्य होगा परिवारों का, मानवों का, तो वो उसको समाज कहेंगे। अगर लक्ष्य ही अलग है, संबंध नहीं दिख रहा है, तो उसको समाज की जगह भीड़ कहना ज्यादा ठीक है। और अगर युद्ध हो रहा है ना, एक का लक्ष्य दूसरे के लक्ष्य से टकरा रहा है, तो वो तो युद्ध का मैदान हुआ ना, वो परिवार कहाँ हुआ, वो समाज कहाँ हुआ। तो इसको इन नामों से हम लोग अपने में देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या ये नाम ठीक है। हम चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं कि समाज के लिए है ना, पहले के लिए समाज नाम देना ठीक है, तो आप लोग कह रहे हैं अच्छी बात है, ये भीड़ कहना ठीक है क्या, दूसरे के लिए युद्ध का मैदान तीसरे के लिए कहना ठीक है क्या, तो अच्छी बात है कि हमें से लोग इस बात को देख पा रहे हैं कि जहां लक्ष्य अलग है वो समाज तो नहीं है ना। परीक्षित भैया एक बार वॉइस को मुझे बता पाएंगे कि मेरे तरफ से वॉइस ठीक है ना, परीक्षित भैया जी बिल्कुल ठीक है जी भैया, मेरी तरफ से तो ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठीक। आगे बढ़ते हैं तो हम समाज में व्यवस्था की जांच पर करेंगे। तो समाज किससे कहेंगे ये तो हमने तय कर लिया, समाज की व्यवस्था की जांच पर करते हैं और देखते हैं कि ये जो समान लक्ष्य हम कह रहे हैं ये लक्ष्य क्या होंगे, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो ये हम लोगों ने पहले दिन से इस बात को करने का प्रयास किया कि मानव का जीना अपने साथ है, परिवार में है, समाज में है, और प्रकृति और अस्तित्व में वो बना हुआ है। तो इन चारों ही स्तर पर लक्ष्य क्या है मानव के लिए, उसको यहां रखने का प्रयास किया गया। तो ये कह रहे हैं
कि इस धरती पर रहने वाला हर एक मानव समाधानित हो जाए, अर्थात सही समझ और सही भाव ही उसका लक्ष्य है। तो एक व्यक्ति अपने में समाधानित हो पाता है, सही को समझ पाता है, सही भाव अपने में सुनिश्चित कर पाता है, तो अपने में सुखी होता है। तो मानव इंडिविजुअल के लिए यह लक्ष्य दिखाई देता है। यही लक्ष्य जब परिवार के लिए देखने जाते हैं तो परिवार समृद्ध हो, और इनफैक्ट समाज का हर एक परिवार समृद्ध हो, इस बात को कह रहे हैं, है ना। फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं, समाज के लिए देखने जाते हैं तो ये कहते हैं कि समाज में अभय हो, है ना। समाज में रहने वाला हर एक मानव, समाज में रहने वाला हर एक परिवार एक दूसरे के साथ विश्वास पूर्वक जी सके, ये लक्ष्य कह रहे हैं। और जो प्रकृति और अस्तित्व में मानव बना हुआ है, उस प्रकृति और अस्तित्व में सहअस्तित्व बना रहे, ये एक लक्ष्य मानव के लिए दिखाई देता है। तो जितना जितना मानव अपने में सही को समझ पाता है, सही भाव को सुनिश्चित कर पाता है, अपने में सुखी हो पाता है। और ये मानव जब परिवार में जाता है, वही मानव जब परिवार में जाता है तो परिवार का जो लक्ष्य समृद्धि है उसमें कंट्रीब्यूट कर पाता है। फिर यहाँ एक प्रश्न ये बनता है कि आखिर परिवार के लिए समृद्धि क्यों कहा गया, है ना। तो चूंकि इस बात को परिवार के लिए इसलिए तय किया गया क्योंकि समृद्धि में दो बातें कही गई, एक तो ये कहा गया कि आवश्यकता की पहचान, दूसरा आवश्यकता से अधिक की उपलब्धि और उससे उत्पादन, उससे ज्यादा का उत्पादन का भाव। तो ये जो उत्पादन है फिजिकल फैसिलिटीज का, वो कोई अकेला व्यक्ति कर पाएगा ऐसा दिखता नहीं। तो जैसे कोई छोटा बच्चा, है ना, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति जब भी उत्पादन करने जाएगा तो शारीरिक, है ना, लिमिटेशन की वजह से वो सुविधा का उत्पादन नहीं कर पाएगा। तो वो अपने में सही समझ और सही भाव के लिए कार्य तो कर सकता है, लेकिन उत्पादन करने जाएगा तो बाधा उत्पन्न होगी। इसीलिए परिवार में समृद्धि की बात की गई है कि मिलजुल के लोग उत्पादन करें, एक दूसरे के सहयोगी हों। तो ये समृद्धि जो है ये परिवार में इंश्योर होगी, लेकिन इस परिवार में रहने वाला हर एक मानव अपने आप में समाधानित हो, ये एक लक्ष्य हर एक मानव के लिए दिखता है परिवार में। समाज को देखने जाएं तो समाज में एक परिवार दूसरे परिवार के साथ अभय पूर्वक जी सके, है ना। जब भी हम बाहर निकलें, मार्केट निकलें, है ना, तब हमें ये डर ना हो कि कोई मेरे साथ चीटिंग कर लेगा, कोई हमें कुछ नुकसान पहुंचा देगा, ऐसा दिखाई देता है। तो एक समृद्ध परिवार, एक समाधानित मानव जब भी समाज में जीने जाता है तो विश्वास पूर्वक ही जीता है, है ना। अगर समृद्ध है तो वो समाज में छीना झपटी तो करेगा नहीं, शोषण तो करेगा नहीं। शोषण कौन करता है, जो दरिद्र है, जिसमें समृद्धि का भाव अभी इंश्योर नहीं हुआ, वही तो छीना झपटी करेगा, वही तो शोषण करेगा, है ना। और जिसने अपने में सही सही समझ लिया विश्वास क्या है, अब वो समाज में अपने ऑफिस में बैठेगा तो दूसरे कलीग्स के साथ विश्वास पूर्वक ही जिएगा। फिर प्रकृति को देखें तो प्रकृति में सहअस्तित्व तो ऑलरेडी, है ना, बनाई हुआ है। प्रकृति अपने आप में देखें तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन अगर ये तीनों जो लक्ष्य हैं ये ठीक ठीक एड्रेस नहीं होते अपने स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, तो आज की दशा जो नेचर की दिख रही है वो ऐसी दिखाई देती है। मानव समाधानित नहीं होगा तो समृद्धि नहीं समझ पाएगा, समृद्धि नहीं समझ पाएगा तो जब भी वो आवश्यक सुविधा को उत्पादित करने जाएगा तो नेचर का शोषण करेगा। तो इस बात, ये जो चारों लक्ष्य हैं इसके बारे में एक रिफ्लेक्शन ले लेते हैं और आपसे ये जानते हैं कि क्या चारों लक्ष्य आवश्यक हैं, वांछनीय हैं। आप इसको रिफ्लेक्शन में रख सकते हैं, क्या चारों लक्ष्य आवश्यक हैं, वांछनीय हैं, है ना। हम उनमें से कुछ छोड़ सकते हैं क्या, इनमें से किसी लक्ष्य को हम ड्रॉप आउट कर सकते हैं क्या। साथ साथ ये भी देखें, यदि चारों लक्ष्यों को पूरा कर लिया जाएगा तो
तो क्या कुछ और भी है जो आवश्यक है, मतलब इन चारों के अतिरिक्त कुछ आवश्यक है? साथ साथ ये भी देखें कि क्या हम चारों लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम ये अपने में देखें कि क्या हम चारों लक्ष्यों के लिए काम कर रहे हैं। और एक चौथा प्रश्न, कहां से शुरुआत करने की आवश्यकता है? तो इस रिफ्लेक्शन को हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको लोग भर सकते हैं। इन बिटवीन भैया कुछ प्रश्न अगर रिफ्लेक्शन कंप्लीट करने के बाद किसी का है तो ले सकते हैं भैया। उषा मैम पहन रही है। उषा मैम नमस्ते, स्वागत है। सर मैं पहले का क्वेश्चन पहले पूछना चाह रही थी। मुझे ममता और वात्सल्य में अंतर पूछना था जी। मैं पहले इनको एक ही देखती थी जी, जी। तो देखें मैम, तो कह रहे हैं कि जब मैंने किसी को संबंधी स्वीकार लिया, स्नेह के भाव को कह रहे हैं कि जब मैंने किसी को संबंधी स्वीकार लिया, है ना, बच्चे को जैसे अपना बेटा मान लिया कि ये मेरा बेटा है ना, या किसी कलीग को अपना संबंधी स्वीकार लिया, तो अब संबंधी स्वीकारने का अर्थ हुआ कि उसके शरीर की भी जिम्मेदारी मेरी अपनी दिखने लगती है और उसकी मैं की भी जिम्मेदारी अपनी दिखने लगती है। तो मैं उसके शरीर के पोषण संरक्षण और सदुपयोग की जिम्मेदारी लेता हूं और इस भाव को कहा ममता। तो आप अपने बच्चे के लिए भोजन बनाती हैं, कपड़े सिलती हैं, है ना, कहीं उसको कोई चोट ना लग जाए, है ना, उसके लिए उसको हमेशा, है ना, ये प्रयास रखती हैं कि कोई ऐसी चीज आसपास ना हो जिससे वो टकरा जाए, छोटे बच्चे की अगर बात करें तो, है ना, उसका रास्ता क्लियर रहे, जब वो क्रॉल कर रहा हो तो उसका रास्ता बिल्कुल क्लियर रहे, तो हम प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये क्या है, इन सबके पीछे ममता का भाव, शरीर मेरे बच्चे का, शरीर का पोषण हो सके, संरक्षण हो सके, उसका सदुपयोग हो सके, ये तो एक बात। लेकिन मानव सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर के साथ साथ मैं भी उसके सहस्तित्व में, शरीर और मैं के सहस्तित्व में मानव, तो मैं अपने बच्चे को समझदार जिम्मेदार बनाने की भी, है ना, अपने में जिम्मेदारी समझती हूँ। ये जो भाव है संबंधी को समझदार जिम्मेदार बनाने का, वो भाव वात्सल्य का है। लेकिन जब हम वात्सल्य देने जाते हैं और हम है ना वात्सल्य के भाव को एक्सप्रेस करने जाते हैं और हमें अपने को वात्सल्य क्लियर नहीं होता, तब हम उसके शरीर का जितना कर सकते हैं, है ना, उतना प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खाना खिलाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो कई बच्चे देखते हैं कि माओ के, है ना, वात्सल्य के ना समझ पाने के कारण ममता का जो ओवर बर्डन बच्चे के ऊपर जाता है, वो बच्चे बहुत मोटे हो गए, है ना, ज्यादा खा के, है ना, उनमें बीमारियां भी लगने लगती। तो हमें ममता का भाव और वात्सल्य का भाव दोनों नेचुरली एक्सेप्टेबल है। दोनों में समझ पाता हूँ तो दोनों को सेपरेटली कैटर करता हूँ, अलग अलग देखता हूँ, अलग अलग उसके लिए प्लान बनाता हूँ। और वात्सल्य के निर्वाह के लिए मेरा अपना समझदार जिम्मेदार होना, ये एक आवश्यकता दिखती है, है ना। इतनी सी बात है इसमें, ये दोनों अलग अलग, एक शरीर के लिए है और बहुत अच्छे से जी सर, बहुत बहुत क्लियर हो गया, थैंक यू सर। ठीक है दीदी, अच्छी बात है कि यहाँ हम लोगों के रिफ्लेक्शन में करीब करीब मैं देख पा रहा हूँ कि 92% लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये चारों वांछनीय है, इनमें से हम किसी को छोड़ नहीं सकते, तो ये काफी अच्छा रिफ्लेक्शन है। दूसरे प्रश्न में जो ये पूछा गया है कि क्या चारों लक्ष्य को पूरा कर लें तो क्या कुछ ऐड भी कर सकते हैं क्या, तो उसमें मैं देख पा रहा हूं कि करीब करीब 73% लोग, है ना, उस बात को कह रहे हैं कि कुछ ऐड नहीं करना है। हम में से किसी को अगर लगता है कि कुछ ऐड करना है तो हम उस बात को माइक हैंड रेज करके पूछ भी सकते हैं, है ना, अपनी बात को रख सकते हैं, अगर कुछ ऐड करने जैसा लगता है इन चारों के अतिरिक्त। सुनीता दीदी हैं, सुनीता दीदी कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें, इसलिए हैंड रेज किया है।
नहीं सर, हमने तो इसलिए हैंड रेज किया था कि जो ये चारों लक्ष्य है ये वांछनीय है सर, और किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि चारों लक्ष्य वांछनीय है? जी सर, बिल्कुल वांछनीय है, क्योंकि यदि मैं सुखी रहना चाहती हूँ तो मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मेरे परिवार का हर एक व्यक्ति सुखी हो, क्योंकि अगर एक भी दुखी है तो मैं सुख का अनुभव नहीं कर पाऊंगी। और अगर मेरा परिवार, क्योंकि मैं एक परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, एक समाज का भी हिस्सा हूँ, तो अगर मेरा परिवार सुखी है लेकिन समाज में कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, वहां कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, तो उसका सीधा प्रभाव मेरे परिवार पर और मुझ पे पड़ेगा। तो मैं ये चाहूंगी कि मेरा समाज भी सुखी रहे, उस सुख की अनुभूति करे वो भी। ठीक और बात है। फिर समाज से लेकर मैं बाहर भी जाती हूँ, मैं कार्यालय में जाती हूँ, मैं काम करती हूँ, या जहां भी जाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा समाज, मैं तभी सुखी रह सकती हूँ जब मेरे आसपास के वातावरण में जितने लोग हैं वो सब सुखी रहें। नहीं तो वो, अगर वो दुखी है तो कहीं ना कहीं वो मुझे प्रभावित करेंगे। और जब सर समाज में सब लोग सुखी रहेंगे, तो ये तो है कि समाज में सब सुखी का मतलब है कि सब आपस में सह अस्तित्व के साथ, सब समझ के साथ जी रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं का आदर कर रहे हैं और एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। तो जो विश्व कल्याण की बात आती है वो कहीं ना कहीं हम पूर्ण करने में सफल होते हैं। आज जो जगह जगह बात आ रही है, इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आतंकवाद है सर, हम जी कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन के ढेर पे बैठे हुए हैं, कहीं एक बटन दब जाए तो पूरा विश्व स्वाहा हो जाएगा। तो हाँ, कहीं ना लेकिन कहीं जब इसका हमारे अंदर ये समझ पैदा होगी तो हम इन सब चीजों से बच सकते हैं सर। ठीक बात तो अच्छी बात है। इसको अभी इस सेशन में समझेंगे भी कि आखिर जी ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है इसका कारण क्या है और समाधान क्या है, जी जी सर, उसको हम लोग एक एक करके लेते हैं। ठीक जी बात है, जी अच्छा रिफ्लेक्शन है धन्यवाद आपसे जी। धन्यवाद सर। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ फिर ये देख रहे हैं कि अगर जो तीसरा प्रश्न पूछा गया कि क्या हम इन सभी चार लक्ष्यों को, है ना के लिए काम कर रहे हैं, तो 97% लोग है ना इस बात को, 27% कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, और करीब करीब 70% लोग इस बात को कह रहे हैं कि हम कुछ पर काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। 3% लोगों का ये कहना है कि हम वास्तव में इनमें से किसी भी लक्ष्य पर काम नहीं कर रहे हैं, तो काफी ऑनेस्ट ओपिनियन है कि हम इनमें से किसी भी लक्ष्य पर काम अभी नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। चौथे प्रश्न को देखें कि कहाँ से शुरू करें, किस लक्ष्य से शुरू करें, तो हम में से इस बात को, है ना, 64% लोग देख पा रहे हैं कि ये शुरू तो करेंगे अपने से, हर व्यक्ति अपने में सही समझ सही भाव से, है ना, भर जाए, शुरू तो यहीं से करेंगे, तो अच्छी बात है। तो यहां से देखते हैं तो ये दिखता है कि जब मैं अपने में, है ना, सही को देख पाता हूँ, सही भाव को सुनिश्चित कर पाता हूँ, तब मैं आगे के लक्ष्यों के लिए बढ़ पाता हूँ। अगर मैं अपने में ही समाधान को नहीं देख पा रहा हूँ, तो जब भी मैं परिवार के लक्ष्य को, समृद्धि को इंश्योर करने जाता हूँ, तो मैं अपनी आवश्यकता को तय ही नहीं कर पाता, है ना, और वो तय होने वाला काम नहीं होता तो समृद्धि इंश्योर नहीं हो पाती, तो हम एक्युमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी ऐसा हमें दिखने लगता है। और अगर एक बार अपने में समाधान नहीं दिखता, परिवार में समृद्धि नहीं दिखती, तो समाज में अभय हो पाएगा ऐसा भी नहीं दिखता, नेचर में, है ना, सहअस्तित्व तो बना रहेगा ऐसा भी नहीं दिखता। तो इन चारों लक्ष्यों को देखेंगे तो शुरू तो हम अपने में समाधानित होके करेंगे इस बात की आवश्यकता दिखती है। एक बार ये काम हो पाता है तो परिवार में समृद्धि इंश्योर हो पाती है, एक बार अपने में समाधान परिवार में समृद्धि इंश्योर हो पाती है तो समाज में अभय हो पाता है, एक बार ये तीनों अपने में हो पाते हैं तो प्रकृति के साथ तो व्यवस्था बनी ही हुई है प्रकृति में ऑलरेडी व्यवस्था है, फिर मैं उस व्यवस्था को सहयोग करता हूं और उसके सहअस्तित्व को बनाए रखने में मददगार होता हूं, उस बात को, है ना, कह रहे हैं पूरे उसके लिए। तो इन्हीं चारों लक्ष्यों को इस क्रम में, है ना, जब कह रहे हैं तो यही कह रहे हैं, यही मानव लक्ष्य है, समाज में रहते हुए मानव का ये लक्ष्य है, कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे तो मानव का ये लक्ष्य दिखता है।
इससे इतर देखते हैं आज की डेट में जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति को देखते हैं, जैसा मैडम कह रही थी, तो वो स्थिति कुछ इस तरह से ब्लैक में जो लिखा हुआ है वो दिखाई देती कि हमें सही समझ सही भाव है ना यह स्थापित नहीं हो पाता है अगर हम नेचुरल एक्सेप्टेंस को अपनी कल्पनाशीलता में नहीं देख पाते, तो किसी मान्यता किसी संवेदना से अगर मेरी कल्पनाशीलता चल रही है तो जो आज की स्थिति है वो कुछ ऐसी दिखाई देती। तो उसमें जैसे एक मान्यता को लें जो काफी प्रोमिनेंटली है ना आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और बहुत मतलब छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े व्यक्ति में भी वो देखने को मिल रही है आज की डेट में, वो ये है कि पैसा ही सब कुछ। एक मान्यता, बहुत सारी मान्यताएं उनमें एक मान्यता की बात की जा रही है कि पैसा ही सब कुछ। ऐसा अगर शिक्षा के माध्यम से या अलग अलग इनपुट से मेरे तक पहुंच रहा है ना, जिसकी वजह से आज ये स्थिति दिख रही है, तो हर मानव में अगर ये मान्यता कम या ज्यादा रूप में है कि पैसा ही सब कुछ है ना, तो जैसे एक कहावत लोग कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया है ना, और पैसा है तो ये संबंध भी है, और ऑर्गेनाइजेशन हमें पैसा दे रहा है इसलिए नौकरी कर रहे हैं है ना, हम उनको पैसा कमा के ला रहे हैं इसलिए वो हमको नौकरी पे रखे हुए हैं। तो बात तो ये ठीक ही है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम के लिए मुझे रिक्रूट किया है ना, लेकिन पैसा अगर उस रिक्रूटमेंट के मूल में है दोनों तरफ, तो फिर स्थिति कुछ इस तरह से दिखाई देती। अगर सभी मानवों में ये अगर स्पष्ट रूप से है ना अपने में हमने मान्यता बना ली कि पैसा ही सब कुछ है, तो उसके परिणाम को देखने जाते हैं तो पहला एक परिणाम ऑब्सेशन दिखाई देता है भोग उन्माद के तौर पर। तो पहले तो हम पैसा सब कुछ है इसके लिए अपना तन है ना मन पूरा लगाते हैं और पैसे को कमाते हैं, तो कमाएंगे क्यों, भोग के लिए, फिर ज्यादा से ज्यादा फिजिकल फैसिलिटी अपने को चाहिए, और वो भोग की मानसिकता कब उन्माद में बदल जाती है ये व्यक्ति को सीधे सीधे दिख नहीं पाता, बिकॉज उसके मूल में ये मान्यता है कि पैसा सब कुछ है। तो जैसे एक कहानी बताते हैं ना कि रोम में कोई एक राजा हुआ करते थे, उन राजा में ये था कि वो भोजन के बहुत शौकीन थे, तो वो अपने यहाँ उन्होंने बहुत सारे रसोइये रख रखे थे और वो अच्छा अच्छा भोजन बनाते थे और वो उस भोजन को करते थे, बताते हैं तब तक करते थे जब तक गले तक भोजन नहीं आ जाता था। फिर थोड़ी देर के बाद चूंकि भोग का उन्माद उनमें इस कदर था कि थोड़ी देर के पश्चात उनको ऐसा लगता था कि नहीं वो वाला भोजन तो रह ही गया, वो आइटम बनाया था रसोइये से वो नहीं खा पाए, तो वो वैद्यों को बुला के कुछ ऐसा खाते थे कि वो उल्टी करते थे पहले और फिर उसके बाद जो बचा खुचा भोजन दूसरा होता था उसको करते। अब देखेंगे तो उसमें है क्या, बात यही है कि हमने अपने राज्य में बहुत सारा पैसा जमा किया और एक उन्माद में लग गए। ऐसे ही दूसरी तरह का उन्माद दिखता है लाभ उन्माद। तो जैसे हम कोई है ना कोई बिजनेस कर रहे हैं है ना या कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें देखेंगे अगर पैसा ही उसके मूल में है तो हम लाभ के बारे में सोचते हैं। तो आज की डेट में अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो फैकल्टी भी अपने लाभ की बात करने लगा, जो शिक्षक है वो ये कहता है मेरा क्या लाभ है वो बताओ, ऑर्गेनाइजेशन तो लाभ की बात करते ही रहे हैं बहुत पहले से, शिक्षक भी इस बात को कहने लगे कि भाई मेरा इंक्रीमेंट मेरा प्रमोशन होगा नहीं होगा, तो इंक्रीमेंट प्रमोशन तो होगा ही, लेकिन उसके मूल को देखने जाएंगे तो मूल में बात यह है कि शिक्षण मेरे लिए सेकेंडरी है, ये मान्यता मेरे लिए अब इम्पॉर्टेंट हो गई है कि पैसा ही सब कुछ है। तो बिजनेसेस हाउसेस में ये शुरू हुआ पहले कि लाभ होना चाहिए है ना, बिजनेस का मतलब ही है प्रॉफिट, देयर इज नो बिजनेस विदाउट प्रॉफिट, ठीक बात है ना, प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन अगर पैसा मूल में है तो बात वहां तक रुकती नहीं,
फिर वो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, साल दर साल उस प्रॉफिट के बढ़ने की बात की गई। फिर धीरे धीरे ये कंसेप्ट आया कि सिर्फ प्रॉफिट साल दर साल नहीं बढ़े, उस प्रॉफिट के बढ़ने का जो रेट है वो रेट भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब ये लाभ की बात नहीं है, ये लाभोन्माद की बात है। यहां तक कि अब तो अगर बिजनेस स्टाइल्स को देखें वर्ल्ड वाइड, तो एक नई बात निकल के आ रही है कि सिर्फ प्रॉफिट ना हो और रेट भी पॉजिटिव ना हो, इतने से बात नहीं बनेगी। वो रेट और वो प्रॉफिट का जो रेट है वो उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए, एक्सपोनेंशियली बढ़ना चाहिए। अब ये लाभोन्माद की स्थिति, इसके मूल में देखेंगे तो ये मान्यता है कि पैसा ही सब कुछ है। ऐसे ही अगर आज के टाइम पर समाज में बहुत सारी जो विकृतियां हैं उनमें से एक पक्ष कामोन्माद का भी दिखता है, तो पैसा सब कुछ है ऐसा मान के जब हम सेंसुअल प्लेजर के लिए है ना अपने आप को प्रस्तुत कर लेते हैं दूसरे के सामने है ना, या दूसरा मेरे सामने, ऐसी प्रस्तुति धीरे धीरे समाज में कामोन्माद को जन्म दे रही है। इसके मूल में बात इतनी ही है कि पैसा सब कुछ है। अब इस मान्यता के साथ हर परिवार है ना बहुत पैसे कमा लेगा, ऐसी व्यवस्था तो हो नहीं सकती। तो कुछ परिवार ही पैसे को इकट्ठा कर पाते हैं, तो कुछ अमीर हैं कुछ गरीब, तो सुविधा संग्रह किसी भी तरीके से वो करते हैं और ऐसा कुछ ही लोग कर पाते हैं, सभी के करने की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो इसीलिए आज की डेट में समाज में कुछ अमीर और कुछ गरीब दिखाई देते हैं। लेकिन इनके मूल में देखेंगे तो दोनों के मूल में एक ही बात है कि पैसा सब कुछ है। अमीर अमीर हो गया है तो उसके मूल में भी यही है कि पैसा सब कुछ है और उसने लाभोन्माद करके उस पैसे को इकट्ठा किया। लेकिन अगर गरीब को भी ढंग से अगर पूछेंगे ना तो वो भी प्रयास इसी बात के लिए कर रहा होता है कि देखिए आज मेरे पास पैसा होता तो ये जो मेरे है ना मुझे डांट के गए हैं ये डांट के नहीं जा पाते। तो कहीं ना कहीं उसकी भी तैयारी इसी मान्यता के साथ। अब अगर इस मान्यता के साथ परिवार आगे बढ़ रहे हैं तो फिर सुविधा संग्रह के लिए जब भी वो समाज का हिस्सा अपने आप को पाते हैं तो उसी समाज में शासन करते हैं, दमन करते हैं, शोषण करते हैं, भय फैलाते हैं। तो जैसे इस कोरोना काल में देखें तो क्या दिखता है कि एक तरीके का शासन, एक तरीके का दमन, एक तरीके का शोषण और एक तरीके का भय का इन्वायरमेंट समाज में फैलाया गया। उसके मूल में जाएंगे तो बात यही है कि सुविधा संग्रह कुछ लोग करना चाह रहे हैं, और उसके मूल में जाएंगे तो ये दिखता है कि हम सभी की ये मान्यता कम और ज्यादा रूप में बनी हुई है कि पैसा ही सब कुछ। अब ऐसा करने जाते हैं तो उसका आउटकम क्या दिखता है, ये दिखता है कि कुछ लोग अपने आप को समाज का हिस्सा मानना ही बंद कर देते हैं और आतंकवाद की तरफ बढ़ जाते हैं, एक दूसरे से संघर्ष करने लगते हैं, एक देश दूसरे देश के की तरफ मिसाइलें तान देता है, एक देश दूसरे देश को घेरने का प्रयास करता है और लामबंदी शुरू हो जाती है। और इन सबके कंबाइन अगर प्रभाव को देखें तो नेचर पे वो पड़ता है। तो मानव सुविधा संग्रह करने जाता है तो सुविधा तो नेचर से ही मिलती है अल्टीमेटली, तो वो उस नेचर के ऊपर विजय पाने की कोशिश करता है। तो आज जो कोरोना है उसमें ऐसा बताते हैं कि नेचर के साथ एक तरह का छेड़छाड़ है ना किया गया। ग्लोबल वार्मिंग को देखें, प्रदूषण को देखें, संसाधनों की जो कमी हो रही है उनको अगर देखें तो उनके मूल में कहीं ये तीनों बातें हैं ऐसा तो नहीं है। इसको भी हम विचार करें कि क्या आज की स्थिति के पीछे ये जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है यही तो जिम्मेदार नहीं है, है ना। तो इस बात को हम लोग अपने में रिफ्लेक्ट करें कि ये जो कुछ भी हम सही को के अभाव में, समझ के अभाव में जो कुछ भी परिवार में कर रहे हैं वो सुविधा संग्रह के अतिरिक्त और है ही क्या। समाज में जो कर रहे हैं वो शोषण दमन शासन और भय फैलाने के अतिरिक्त और क्या कर रहे हैं, उसको रिफ्लेक्ट करें। कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन ये स्थिति आज की है या नहीं है इसको हम लोग अपने में रिफ्लेक्ट करें और उसका सबका जो
फल है ना वो नेचर पे दिख रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है ना और प्रदूषण ये दिखाई देता है। एक रिफ्लेक्शन हम इसमें ले लेते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं किस चीज के लिए। स्पष्ट रूप से पहचाने गए लक्ष्यों के साथ मानवीय समाज के लिए, या वर्तमान समाज में किसी तरह जीने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इस बीच कोई प्रश्न है तो उसे भी ले लेते हैं, अगर कोई प्रश्न इसमें बन रहा है तो जैसे हेमंत निगम जी का हैंड रेज है। हेमंत जी नमस्ते। नमस्कार सर। सर ये बात बिल्कुल, जो आपने ये प्रश्न उठाया है ये बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल सच है, और लोग इसी दिशा में ही आजकल लोग काम कर रहे हैं, और जिसका रिजल्ट है जो अभी आउटकम आया था कोरोना काल में वो सबने उसको देखा, और एक तरह से एक पूरा विश्व ने उसका एक डेमो देखा कि लोग जो पैसा कमाने की तरफ जा रहे हैं या फिर उसको संग्रह कर रहे हैं, या उसके जो रिजल्ट आते हैं जो नेगेटिव चीज आती है उसका दोहन और शोषण ही होता है, और फिर उसका रिजल्ट जो होता है प्रकृति पे जो पड़ रहा है उसके साथ जो छेड़छाड़ की गई है, बिल्कुल सही बात है सर। लोग ज्यादातर यही कर रहे हैं। हम उसका एक अच्छा रिजल्ट भी दे सकते थे प्रकृति को कि जो पैसा है जो हम कमा रहे हैं वो मानव कल्याण के लिए भी हो सकता था, अच्छे रिसर्च के लिए भी हो सकता था, हम जो बीमारियां फैल रही हैं उसको दूर करने के लिए भी उस पैसे का उपयोग कर सकते थे। लेकिन उस पैसे का पहले कमाया गया, फिर उसका संग्रह किया गया, फिर उसका उसके लिए दूसरों का शोषण किया गया, चाहे वो आतंकवाद के लिए हो या फिर दूसरे चीजों को लेकर शोषण जिससे प्रकृति को नुकसान हुआ हो। तो ये चीज नहीं होना चाहिए सर। प्रश्न यही है कि ये क्यों हो रहा है। आदमी जो इंसान है इतना पैसा संग्रहण करने के बाद अच्छी चीजों के लिए रिसर्च क्यों नहीं कर रहा है, चाहे वो मानव कल्याण के लिए हो, जो दूसरी बीमारियां हो उनको दूर करने के लिए हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करने के लिए हो, उसको ना हो कि कुछ लोग, कुछ समाज के लोग, सभी के लिए मैं नहीं कह रहा सर, ऐसे कुछ कंट्रीज कर रही हैं, कुछ समाज के लोग कर रहे हैं, कुछ देश के लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यही प्रश्न है। क्या पैसा ही सब कुछ हो गया है? इसके बारे में बड़ा हम कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, और इसके लिए हम सबको दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन कुछ पार्ट तो है, जो पावरफुल कंट्रियां हैं जो अगर इस तरह से शोषण करती गई, प्रकृति से छेड़छाड़ गई, तो मानव जीवन तो खत्म ही हो जाएगा, फिर हम डरे डरे से ही रहने लगे इस समय। ठीक बात। तो इसमें सर मैं तो इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले तो हम अपने लिए देखें सर कि क्या हम भी यही तो नहीं कर रहे। जी बिल्कुल सही। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे मैं भी ये बात बैठ गई है कि देखो पैसा सब कुछ है। जी सर। पैसा नहीं होगा तो कोई पूछेगा नहीं, प्राइमरी ये बात। दूसरी बात, क्या हमने समृद्धि को समझ लिया है? अगर नहीं समझा है तो क्या कर रहे हैं उसके लिए? क्या हम भी सुविधा संग्रह तो नहीं कर रहे? जी बिल्कुल करेक्ट। अपने ऑफिस में जहाँ हम बॉस हैं वहाँ शासन और दमन और शोषण तो नहीं कर रहे? जी सर बिल्कुल। एक बार मैं अपने लिए तय कर पाता हूँ जी सर, तो जैसे तो मैं आगे भी दूसरे के लिए सोच पाता हूँ, तय कर पाता हूँ। तो जैसे एक सिंपल चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि परिवार में किस दिन आप दूसरे का सहयोग कर पाते हैं? जिस दिन आप कंफर्टेबल होते हैं, सुखी होते हैं, उस दिन पत्नी का, बच्चों का, माता पिता का सहयोग कर पाते हैं, या जिस दिन परेशान होते हैं? जी क्या लगता है किस दिन सहयोग करते हैं? सर हम परेशान तो बहुत कम ही होते हैं, क्योंकि हमने परिस्थितियों के साथ अपने आप को ढालना सीखा है, और जिस तरह से निरंतरता सुख की बात है वो हमने अपने अंदर ढाल चुके हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम सुख को अनुभव करते हैं। तो दोनों परिस्थितियों में मैं भैया सिंपल ये बात जानना चाह रहा हूँ कि जैसे किस दिन आप दूसरे का सहयोग कर पाते हैं? सर हम सभी दिन, कोई ऐसा दिन नहीं आता जिसमें हम किसी को सहयोग ना कर पाए, हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वो परेशानी वाली बात हो और चाहे ना परेशानी वाली बात हो, क्योंकि हमने अपने काम को प्रायोरिटी देना कम कर दिया है, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं तो हम हमेशा सुख को पाते हैं हमेशा, ये मैंने महसूस की बात। और तो अब इसको, इस सूत्र को ऐसे लिया जाए कि आप अपने में कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल अपने में व्यवस्थित हैं, तब जाके आप बाहर कुछ कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर, है ना?
एक बार व्यक्ति अपने में सही समझ को इंश्योर कर पाता है, सही भाव को इंश्योर कर पाता है, तो अपने परिवार को व्यवस्थित कर पाता है। अब यही परिवार समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। जी सर, कि भाई इनका परिवार देखिए, इनके बच्चे देखिए, है ना। फिर एक कॉलोनी में चार छह परिवार अगर ऐसे तैयार हो गए तो वो कॉलोनी आगे चल के बन जाती है कि भाई वाला जो कॉलोनी है काफी व्यवस्थित है, जी सर, झगड़े नहीं होते। तो देखेंगे धीरे धीरे देश के स्तर पर भी ये बात जा सकती है। तो जैसे बिल्कुल जा सकती है, पहले इस बात को रखने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था, लेकिन आज कम से कम ये स्कोप बना है कि AICT के माध्यम से आपके संस्थान तक ये बात पहुंच रही है, आपके संस्थान के द्वारा MP के गांव-गांव तक ये बात पहुंच सकती है, आगे चल के पूरे देश में इस बात की संभावना बनी हुई है, इनफैक्ट बन चुकी है, जहां हर जगह शिक्षा में इस बात को पहुंचाया जा सकता है। फिर अगले देश से भी बात होगी, तो जैसे भूटान को देखें तो भूटान ने तो इस कंटेंट को पूरी तरीके से स्वीकार लिया है और वो अपने यहाँ पार्लियामेंट में भी इस बात को रखते हैं, उनके यहाँ कई पार्लियामेंट्री मेंबर्स ने भी इस कंटेंट को पूरी तरीके से सुना, वहाँ के मतलब रानी ने भी जो थी उन्होंने भी सुना, जो यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर जी ने सुना। तो सभी लोगों ने इस बात को पाया कि ये एक ऐसी बात है जो वर्ल्ड वाइड हमें देखनी पड़ेगी कि शिक्षा कैसी है, सही क्या है, उसको देखना पड़ेगा। जी सर, तो अच्छी बात है, अच्छा रिफ्लेक्शन है आपका। जी सर, और सर हमारी फैमिली को एग्जांपल भी दिया जाता है, चाहे हमारा पूरा खानदान हो, चाहे समाज में हो, चाहे हम कॉलोनी में रहते हो, कि ये इतने सुखी से कैसे रहते हैं, इनके बच्चे ऐसे अच्छे से पढ़ रहे हैं, और ये खुद अपने आप में सोशल वर्क भी कर लेते हैं, बिजनेस भी कर लेते हैं, और समाज सब तरह से काम कर लेते हैं, तो उससे दूसरों को ईर्ष्या भी होती है हमारी फैमिली को देख के, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी जो ड्यूटी है समाज के प्रति, दूसरों के प्रति, हमें वो देखना है, हम दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, अगर हम उसको देखेंगे तो हम खुद दुखी हो जाएंगे, फिर हम निरंतर सुख की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। तो अब देखिए कि आप थोड़ा है ना, आप समझदार हुए तो अपने परिवार को व्यवस्थित कर पाए और उसका असर कम से कम 10 से 100 परिवारों के ऊपर आप डाल पा रहे हैं। एक एक गांव में जो कंसेप्ट है RAS है ना, कि एक गांव में एक आनंदक हो, एक गांव में एक परिवार अगर ऐसा खड़ा हो जाए जो इन चारों लक्ष्यों को स्वीकारते हुए इन चारों लक्ष्यों के लिए काम कर रहा हो, तो वो पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बनता है सर, है और इससे हम कई लोगों को बदल भी पा रहे हैं, कई लोगों में हमने जीवन में बदलाव भी किया, उनकी काउंसलिंग करके, उनको एड्रेस करके, अल्पविराम करके जाके कई लोगों को मोटिवेट भी किया, और लोग उन्होंने अपनी जीवन में बदलाव भी लाया, बदलाव ला भी रहे आगे आगे धीमे धीमे, जितने लोग हमारे कॉन्टेक्ट में आते जाते हैं उतने लोगों की जिंदगी में बदलाव आ भी रहा है, चाहे वो फैमिली फ्रेंड्स हो, चाहे कोई जरूरतमंद हो, चाहे गरीब हो, कैसे भी हो, धीमे धीमे कोशिश कर रहे हैं कि उनके जीवन में बदलाव आए, परेशानियों से बाहर निकले और एक खुशहाल जीवन जीने की कला सीखे, किस तरह से हम अपने जीवन को बदल के अपने आप में चेंजेस ला के उसको बदल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, और मैं तो ऐसे ही देखता हूँ कि एक व्यक्ति अगर ठीक से खड़ा हो जाता है पूरे समाज में तो पूरे समाज को उससे आशा हो जाती है। लेकिन ये सब ये घटनाएं सबसे ज्यादा दुखी करती हैं जो पूरे विश्व में हो रहा है, जहां हम कुछ कर नहीं सकते हैं और वो चिंता का भाव है हमारे लिए, उसको हम कैसे बदले, वहां पैसा आदमी जो है वो मिसयूज कर रहा है उस चीज को, वो मानव कल्याण के लिए भी कर सकता है, जो पैसा आज वुहान में हुआ खर्च एक रिसर्च पे हुआ और एक वायरस को एक चेकिंग के तौर पर, टेस्टिंग के तौर पर उसको यूज किया गया, उसका पूरा रिफ्लेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ा और आज सभी लोग बीमार हुए, अपनों को हमने लोगों ने खाया, ऐसे लोग क्यों इस तरह से रिसर्च की तरफ, इनको कैसे दूर करें, हम तो नहीं कर सकते, हमारे पास पावर नहीं है। हेमंत भैया एक लाइन में कहूंगा तो अभी सही समझ सही भाव इंश्योर होना उन तक बाकी है, एक बार हो जाएगा। जी सर, सही को सही के हिसाब से काम करेंगे, है ना। जी सर, जी सर, तो शिक्षा संस्कार मिलने की आवश्यकता, बस बस काटली अगर बात करें तो। जी जी, कहा ठीक है, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं जी। तो देखेंगे तो बात तो यही है कि लक्ष्य ये चारों हैं, ये अगर हमें दिख पाता है तो वो एक बात, नेचुरल एक्सेप्टेंस तो हमारी इन लक्ष्यों को लेकर हो गई है, ये एक बात। लेकिन जब हम अपनी स्थिति को देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, और अपनी स्थिति में जब अपनी कल्पनाशीलता को देखने जाते हैं तो ये दिखाई देता है कि कल्पनाशीलता में मान्यता भी चल रही है, संवेदना भी चल रही है और सहस्वीकृति भी।
उसमें जो बड़ा हिस्सा है हमारी कल्पनाशीलता का, वो तो किसी मान्यता और संवेदना से ड्राइव हो रहा है। किसी मान्यता से ड्राइव हो रहा है तो लाभोन्माद में लगे हुए हैं, संवेदना से ड्राइव हो रहा है तो कामोन्माद और भोगोन्माद में लगे हुए हैं। तो देखेंगे तो जो भी समस्याएं हैं आज की डेट में, वो तो इस बात को लेकर है कि हमारी कल्पनाशीलता में जो मान्यता चल रही है वो सह स्वीकृति के आधार पर अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई, एड्रेस नहीं हुई, उसको वेरीफाई नहीं किया गया। तो मेन मुद्दा तो अपनी कल्पनाशीलता में सह स्वीकृति के आधार पर एक्सप्लोरेशन, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का है। एक बार अगर ये ठीक ठीक हो पाता है तो हमें अपने में समाधान दिख पाता है। एक बार मुझे अपने में समाधान दिख पाता है तो मैं परिवार को की आवश्यकता की ठीक ठीक पहचान कर पाता हूँ और परिवार के समृद्धि के लिए कार्य कर पाता हूँ, समाज में अभय के लिए कार्य कर पाता हूँ, नेचर को का सहस्तित्व, नेचर में जो सहस्तित्व है उसको बनाए रखने में सहयोगी हो पाता है, है ना। तो जैसे एक व्यक्ति ने ये ठान लिया है ना कि मेरी, देख लिया कि मेरी सहस्वीकृति तो नेचर के साथ सहस्तित्व को बनाए रखने में, तो वो ये ठान भी सकता है अपने आप में कि अब मेरा पूरा जीवन इस धरती पर पेड़ लगाने के लिए मैं गुजारूंगा। ऐसे बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल दिखता है ना। तो अपने में सही को देख पाना ये एक प्राइमरी बात है। सही के को देखने के लिए प्राइमरी बात ये है कि कल्पनाशीलता, पूरी पूरी कल्पनाशीलता सह स्वीकृति के आधार पर सज जाए तो जाके अपने को ठीक ठीक सही क्या है वो दिखाई पड़ता है ना। तो मेन मुद्दा तो ये है कि हम अपनी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है उसको देखें, उसमें मान्यता और संवेदना को वेरीफाई करें सह स्वीकृति के आधार पर। फिर ये जो चारों लक्ष्य हैं, इन चारों लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो पांच आयाम हैं, है ना, उन पांच आयामों को यहाँ रखने का प्रयास किया गया। तो ये कहा जा रहा है कि वो पांच जो आयाम हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य और संयम, उत्पादन और कार्य, न्याय एवं सुरक्षा, विनिमय और कोष। तो देखेंगे तो जो शिक्षा और संस्कार है वो बेसिकली हमारा जो पहला लक्ष्य है, सही को समझना, सही भाव क्या है इस बात को समझना, इस बात की पूर्ति करता है। तो मानव का जो प्रथम लक्ष्य है समाधानित होने का, वो काम तो शिक्षा से है। एक बार अपने में सही का प्रस्ताव व्यक्ति सुन पाता है ना, रिसीव कर पाता है, तो उस प्रस्ताव के प्रति जो कमिटमेंट, प्रिपरेशन और प्रैक्टिस बनती है, अपने में जो निष्ठा बनती है कि ये सही है वैसा ही जीऊंगा, इसी को संस्कार कहा गया। तो शिक्षा संस्कार के माध्यम से व्यक्ति में समाधानित होने का काम, अर्थात पहला लक्ष्य पूरा होता, जो कि इस पांचों ही आयाम का मौलिक आयाम है। ये एक प्राइमरी बात है, क्योंकि हम सभी ने पहले ये स्वीकारा हुआ है कि शुरू तो हम अपने आप में समाधान के साथ करेंगे। तो वो समाधान कहाँ से होगा? शिक्षा और संस्कार के द्वारा। तो इसीलिए इसको मौलिक आयाम कहा गया, प्राथमिक आयाम कहा गया। फिर दूसरे आयाम को देखें तो एक बार अपने में संयम को लेकर स्पष्टता होती है तो शरीर का स्वास्थ्य इंश्योर हो पाता है। शरीर का स्वास्थ्य इंश्योर हो पाता है तो वही व्यक्ति परिवार में समृद्धि के लिए प्रयास कर पाता है। अगर व्यक्ति में संयम नहीं है तो स्वास्थ्य बाधित होता है। स्वास्थ्य नहीं है तो जब भी समृद्धि का प्रयास करने जाएगा वो बाधित होता हुआ दिखाई देता है। अपने में संयम नहीं है, अर्थात अपने में इस बात की अभी पहचान नहीं हो पाई है कि शरीर की नर्चरिंग, प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन के लिए सुविधाएं जो हैं वो तो लिमिटेड चाहिए, वो नहीं दिख पाता है, तो हम समृद्धि की जगह है ना सुविधाओं का संग्रह शुरू कर देते हैं। तो अपने में संयम इंश्योर होता है तो स्वास्थ्य के आधार पर है ना स्वस्थ होके मानव समृद्धि के लिए प्रयास करता है। जब भी हम समृद्धि की बात करते हैं उसमें सुविधा के उत्पादन की बात भी करते हैं। सुविधा के उत्पादन की जब हम बात कर रहे हैं तो वो तीसरे आयाम से पूरी होती है कि हम समृद्ध होने के लिए शरीर के नर्चरिंग, प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन के लिए नेचर से सुविधाओं का उत्पादन करते हैं, है ना। उत्पादन करने जाते हैं, है ना, तो उत्पादित करके हम परिवार को समृद्ध कर पाते हैं। तो ये यहाँ से दूसरा लक्ष्य पूरा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उत्पादन के लिए हमें नेचर के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है, अर्थात कार्य करना पड़ता है,
जुताई करनी पड़ती है, बुआई करनी पड़ती है ना, सिंचाई करनी पड़ती है, तब जाके गेहूं और चावल है ना, गेहूं और धान ये सब पैदा होते हैं। तो इसे कहा गया कार्य, उत्पादन और कार्य है ना से परिवार में समृद्धि इंश्योर हो पाती है। फिर अगर देखें तो उत्पादन और कार्य को अगर और इलैबोरेट करें तो ये दिखता है कि उत्पादन भी तीन तरह के है ना, प्राइमरी है ना, प्राथमिक उत्पादन, प्राइमरी प्रोडक्शन, सेकेंडरी प्रोडक्शन और टर्शियरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन उसको कह रहे हैं जिसमें शरीर के पोषण संरक्षण और सदुपयोग के लिए फिजिकल फैसिलिटी का उत्पादन। सेकेंडरी प्रोडक्शन उसको कह रहे हैं कि जो प्राइमरी प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए चीजों की आवश्यकता है, तो जुताई जिससे कर रहे हैं, बुआई जिससे कर रहे हैं, सिंचाई जिससे कर रहे हैं, उसके उत्पादन को हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्शन कह रहे हैं। टर्शियरी प्रोडक्शन उसको कह रहे हैं जो सेकेंडरी प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहा है, तो जैसे सिंचाई गुड़ाई के साथ साथ जो जुड़े हुए है ना उत्पाद हैं उनको उत्पादित करने की बात कर रहे हैं। चौथे को भी हम लोग देख सकते हैं कि इन सबको चलाने के लिए सर्विसेज की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है ना, उनको सर्विस की जरूरत है, तो एक चौथी तरह का उत्पादन ये दिखाई देता है। तो देखेंगे तो उत्पादन और कार्य ये तीसरा आयाम है जिससे कि परिवार में समृद्धि जो होती है। फिर चौथे आयाम को देखें तो उसमें न्याय और सुरक्षा की बात की गई है। न्याय का अर्थ ये हुआ कि एक मानव दूसरे मानव के साथ बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी बाधा के कंटिन्यूटी में है ना सुखपूर्वक जी सके, म्यूचुअल हैप्पीनेस, उभय सुखपूर्वक जी सके है ना, विश्वास पूर्वक एक दूसरे के साथ जी सके, उसको न्याय कहा। तो एक मानव दूसरे मानव के साथ विश्वास पूर्वक जी सके बिना किसी कंडीशन के निरंतरता में है ना, उसको न्याय कहा। सुरक्षा को कह रहे हैं कि जो भी नेचर में है ना, सुविधा के रूप में जो कुछ भी नेचर में है, उस नेचर में जो कुछ भी हमारे पास फिजिकल फैसिलिटी है उसको इनरिच करना, उसको प्रोटेक्ट करना और उस सुविधा का राइट यूटिलाइजेशन करना। तो जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं है ना, धरती से जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस हो जो इनरिच कर सके धरती को। तो जैसे हम जो फसल बो रहे हैं एक बार, अगली बार जो मिट्टी हो अगली फसल के लिए, वो मिट्टी इस बार से ज्यादा इनरिच्ड हो, तो सुरक्षा इस बात को कह रहे हैं। और जो भी नेचर में उपलब्ध है उन सुविधाओं का प्रोटेक्शन हो, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन सुविधाओं का राइट यूटिलाइजेशन, तो मानव सुविधाओं का सदुपयोग कर सके। क्योंकि हम कितना भी इनरिच करते रहें सॉयल को, कितना भी हम प्रोटेक्ट करते रहें पूरे नेचर को, मानव ने अगर राइट यूटिलाइजेशन को नहीं समझा तो नेचर में जो सुविधाएं हैं वो तो सीमित हैं, वो एक ना एक दिन रिसोर्स डिप्लीशन की कंडीशन आनी ही है। मानव ने सदुपयोग समझ लिया है ना, इनरिचिंग उत्पादन की टेक्निक समझ ली और प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास व्यवस्था कर ली, तो मानव इस नेचर में सहअस्तित्व को बनाए रख सकता है। तो इस तरह से सुरक्षा से है ना ये प्रकृति में सहअस्तित्व को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, सहअस्तित्व पूर्वक जी सकते हैं है ना, इस बात को कह रहे हैं। फिर पांचवें आयाम को देखें जिसको कहा गया है विनिमय और कोष। उसमें इस बात को कहा जा रहा है कि हम हर एक चीज का उत्पादन तो कर नहीं सकते। तो जैसे नॉर्थ में एक तरीके का अनाज उगता है, साउथ में दूसरी तरीके का अनाज उगता है, उत्तर प्रदेश में अनाज का प्रोडक्शन एक तरह से है, मध्य प्रदेश में एक तरह से है, राजस्थान में एक तरह से है, महाराष्ट्र में एक तरह से है, ऐसे ही देशों को भी हम देख सकते हैं। तो एक फसल है ना कहीं हो रही है तो दूसरी फसल कहीं हो रही है। अगर हमारे शरीर की नर्चरिंग के लिए उस उत्पाद की आवश्यकता है बट वो हमारे यहाँ नहीं हो रही है, या हो रही है तो चाहिए पूरे साल लेकिन वो किसी साल के एक हिस्से में हो रही है, उसके लिए विनिमय की आवश्यकता है।
एक्सचेंज की आवश्यकता है। वो एक्सचेंज से कौन सा लक्ष्य पूरा होता हुआ दिखाई देता है? परिवार में समृद्धि इंश्योर होती। तो मुझे अगर धान चाहिए और धान साल में एक ही बार होता है ना, तो फिर मुझे उस धान का स्टोरेज भी करना पड़ेगा, कोष भी करना पड़ेगा कि मुझे साल भर चाहिए लेकिन उत्पादन एक ही बार हो रहा है, या अगले साल उस फसल का उत्पादन उतना नहीं होगा जितना इस बार हुआ है, या कई बार को जब सूखा पड़ गया है ना, या ज्यादा बारिश हो गई उसकी वजह से फसल बाधित हो गई, तो उसके लिए भी कोष चाहिए, स्टोरेज चाहिए। ये क्यों चाहिए? तो प्राइमरली परिवार में समृद्धि को इंश्योर करने के लिए विनिमय और कोष के आयाम की बात की गई। लेकिन जब भी ये विनिमय की बात आती है ना, तो विनिमय हम किसके साथ कर पाते हैं? जैसे आज की डेट में अगर आप ऑफिस में हैं तो पैसों का लेन देन या किसी भी चीज का लेन देन आप किसके साथ करते हैं? तो ये दिखता है, आप चैट बॉक्स में भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, या आप परिवारों में है ना, या भाइयों में भी या कलीग में भी किसके साथ आप एक्सचेंज करते हैं? जी दिनेश भैया कह रहे हैं बैंक के साथ एक्सचेंज करते हैं, ठीक बात है, लेकिन बैंक के साथ तो हम एक्सचेंज कर ही रहे हैं एक सिस्टम के तौर पर, लेकिन जैसे परिवार में आपको निकलना है ना, और आपको कुछ पैसों की आवश्यकता है, तो आप तुरंत तो बैंक जा नहीं सकते, तो आप अपने किसी कलीग से कहते हैं भाई 500 रुपये दो, कल देंगे, है ना। तो ये लेन देन जो है, मैं अभी एक्सचेंज पे नहीं आ रहा हूँ, मैं सिंपली एक लेन देन की बात कर रहा हूँ, एक्सचेंज पे भी आता हूँ, किसके साथ लेन देन करते हैं? जिसके साथ विश्वास इंश्योर होता है उसके साथ लेन देन करते हैं, या जिनके साथ विश्वास इंश्योर नहीं हुआ है? तो आप किसको उधारी देते हैं? जी जी, जिनके साथ विश्वास होता है, तो जिनके साथ विश्वास होता है उन्हीं के साथ एक्सचेंज हो पाता है। तो एक बार अगर अपने को संबंध नहीं दिखता है ना, उस संबंध में विश्वास नहीं दिखता, सम्मान नहीं दिखता, स्नेह नहीं दिखता, इनके बिना जब भी हम विनिमय करने जाते हैं तो विनिमय नहीं हो पाता, तो फिर है ना कोष करने जाते हैं तो वही कोष परिवार को समृद्ध बनाने के लिए जो किया गया था वही कोष प्रॉफिट मेकिंग के लिए होने लगता है। तो आदमी दबा के नमक इसलिए बैठ गया है अपनी दुकान में जिससे कि जब महंगा होगा तो बेचेंगे। तो देखेंगे तो विनिमय और कोष तो परिवार में समृद्धि इंश्योर हो सके और साथ साथ समाज के किसी एक हिस्से में जहां कुछ सुविधाओं की कमी है वहां तक वो सुविधा भी पहुंच सके, है ना। तो जो समाज में अभय की बात है ना, अभय का जो लक्ष्य है वो भी विनिमय और कोष से पार्शियली एड्रेस होता है। तो आपके देश में किसी एक प्रदेश में सूखा पड़ जाए और बाकी प्रदेश को लोग मौज कर रहे हों, कोई उनको राहत सामग्री ना भेजे, कोई विनिमय ना हो, कोई एक्सचेंज ना हो, है ना, तो आगे चल के क्या उनके साथ विश्वास पूर्वक इसी देश में बात हो पाएगी? तो लगता है कि नहीं हो पाएगी, है ना। आप बताएं कि अगर हमारे बगल में पड़ोसी है ना मूखों बैठे हुए हैं और हम मजे कर रहे हैं तो क्या होगा? नहीं हो पाएगा। अच्छी बात है। विनिमय और कोष में देखेंगे तो विनिमय इसलिए है कि जिससे कि सभी तक आवश्यक सुविधाएं पहुंच सकें और जब जब आवश्यकता हो तब तक पहुंच सके। कोष इसलिए है कि चूंकि पूरे समय सुविधाओं का उत्पादन नहीं हो सकता है ना, या कोई ऐसी आपदा भी आ सकती है, उस आपदा की स्थिति में भी परिवार समृद्ध बना रहे इसलिए कोष है। लेकिन अगर मैं सही को समझ नहीं पाता हूँ, संबंध को देख नहीं पाता हूँ, तो कोष को मैं लाभो है ना लाभोन्माद
के चक्कर में, है ना, लाभ बढ़ाने के चक्कर में उसी कोष का इस्तेमाल करता है। आज देखें तो क्या दिखता है, तो विनिमय और कोष में ऐसी स्थिति दिखती है। आज अगर ध्यान से देखें तो जो हम चौथे सोपान पे न्याय को कह रहे हैं, तो हम समाज में न्याय दे रहे हैं या फैसले दे रहे हैं, इसको भी आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आज की डेट में जो न्यायिक प्रणाली है, वहां न्याय हो रहा है या फैसला हो रहा है? तो न्याय की परिभाषा तो कल से लेकर और आज तक हो ही रही है ना, तो हम चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि अभी जो हम समाज में कर रहे हैं, अपने घर में देखें, घर में हम बच्चे के साथ न्याय करते हैं या फैसला देते हैं, पत्नी के साथ पति के साथ न्याय करते हैं या फैसला देते हैं, सास के साथ ससुर के साथ कलीग के साथ न्याय करते हैं या फैसला सुनाते हैं यही होगा, है ना। टीवी के टीवी के सामने पूरा परिवार बैठा हो तो हम एक दूसरे को फैसला सुना रहे होते हैं कि देखो यही वाला चैनल चलेगा। ऐसे ही अगर एक एग्जांपल को लें तो गाजियाबाद में कड़कड़डूमा कोर्ट है, तो उसको अगर देखें, वहां को अगर थोड़ा एनालाइज करें कोर्ट के केसेस को, तो ये दिखता है कि करीब करीब 1000 केस के आसपास वहां महीने में आते हैं, इनफैक्ट हो सकता है वीक में आते हों, बहुत एग्जैक्ट डेटा तो मेरे पास नहीं है, बट केसों की संख्या बहुत ज्यादा है। और उनमें से ज्यादातर केसेस को अगर आप देखेंगे तो या तो पति पत्नी के केसेस हैं, या माता पिता के केसेस बच्चों के साथ हैं, या एक भाई का दूसरे भाई के साथ केस है, ज्यादातर केसेस इसी बात के, है ना। तो उन केसेस की संख्या क्यों बढ़ रही है? अगर हम अपने साथ न्याय कर पा रहे होते, अपने परिवारों में न्याय कर पा रहे होते, तो ये परिवार के झगड़े कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं। अपने साथ न्याय करने का अर्थ यह है कि अपने में सही समझ सही भाव को इंश्योर कर पाना। परिवार के साथ न्याय करने की बात यह है कि परिवार में जो 9 भाव हैं उनको समझ के दूसरे के साथ उन भावों के साथ जीना और परिवार की समृद्धि में अपने प्रतिभाग को करना। तो क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? तो दिखता है कि ना तो मेरा अपने साथ न्याय हो पा रहा है। मैं ऑफिस जाता हूं तो वहां भी नहीं कर पा रहा हूं, आते हैं फिर किसी को, पड़ोसी को बुलाते हैं, मित्र को, लोग फैसले की डिमांड करते हैं। परीक्षित भैया मेरी आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म कर दें। जी जी भाई, एक दो सेकंड के लिए रुकी थी लेकिन कंटिन्यू। हां वो एक कॉल आ गया था तो मुझे लगा कि रीकंफर्म कर लूं। जी ठीक है, तो देखेंगे तो कुछ स्थिति दिखाई देती है। तो न्याय हम समझ नहीं पा रहे हैं तो न्याय सुनिश्चित भी नहीं कर पा रहे। हम सुविधाओं का सदुपयोग कैसे करें ये नहीं समझ पा रहे हैं तो नेचर के ऊपर ओवर बर्डन डाल रहे हैं। और ये सुविधाओं का सदुपयोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि जब भी ये अपने को समझने वाला जो काम है उसको हम सूक्ष्मता से नहीं कर रहे। अपने को समझने वाले काम में मुख्य बात तो यह है कि मैं ये देख पा रहा हूँ क्या कि मैं और शरीर का सहअस्तित्व ही मानव, साथ साथ ये देख पा रहा हूं क्या कि सुविधा की जो आवश्यकता है वो तो शरीर के लिए, क्या मैं इस शिफ्ट को अपने इन 4 दिनों में देख पा रहा हूं कि सुविधा शरीर की नर्चरिंग प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन के लिए चाहिए और वो तो सीमित मात्रा में चाहिए, इनका उत्पादन नेचर से होना है। तो जितना जितना मैं अपने में अपनी आवश्यकता को देख पाता हूँ, है ना, उससे ज्यादा का उत्पादन कर पाता हूँ, उपलब्ध करा पाता हूँ, अपने में समृद्ध हो पाता हूँ और राइट यूटिलाइजेशन को इंश्योर कर पाता हूँ। फिर उस समृद्धि को बनाए रखने के लिए मैं इनरिच्ड प्रोसेस को इवॉल्व करता हूँ। तो आज की डेट में देखें
तो ये बात स्पष्ट ना होने की वजह से हम प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करते हैं, जबकि अभी रिपोर्ट ये कहती है कि हम अपनी प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा वेस्ट कर देते हैं हर साल। तो बात प्रोडक्शन को बढ़ाने की नहीं, लोग अब ये थियरी आने लगी है कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें ये कह रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक समस्या है। तो मैं ये कहता हूँ ठीक है, जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या एक समस्या है, लेकिन ना समझ जनसंख्या एक और बड़ी समस्या है। उसके लिए जब हम उत्पादन करने जाते हैं तो कितना उत्पादन करके वो समृद्ध हो जाएंगे पूरा नहीं दिखता, कंप्लीट नहीं दिखता, है ना। ऐसे ही अपने में संयम को नहीं देख पाते तो शरीर का स्वास्थ्य इंश्योर नहीं हो पाता। और इन सब चारों के मूल में मुख्य बात यह है कि शिक्षा संस्कार की का जो कंटेंट है वो अगर समग्र नहीं, जो विधि है वो विधि ठीक ठीक नहीं है, तो ये जो चार आयाम हैं, ये जो या जो ये बाकी तीन लक्ष्य हैं, वो हमको ऐसा लगता है कि पूरे हो रहे हैं, लेकिन लंबे समय में वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस बात को हम लोग अपने में रिफ्लेक्ट करें कि क्या ऐसा ही है, एक बात क्या यही चार लक्ष्य हैं, दूसरी बात क्या ये पांच आयाम पर्याप्त हैं। तो मैं आपसे चैट बॉक्स में चाहूंगा कि आप लिख सकते हैं क्या इन पांचों आयामों के अतिरिक्त कोई और आयाम को जोड़ने की जरूरत है, क्या लगता है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो प्रेमलता दीदी करें कि नहीं ये पर्याप्त है, और हम देखेंगे तो इन्हीं पांचों आयामों में कहीं ना कहीं हम अपनी योगदान को दे रहे हैं। जहां जहां भी मेरा योगदान हो रहा है, अगर हम डॉक्टर हैं तो दो नंबर पे दे रहे हैं, किसान हैं तो तीन नंबर पे दे रहे हैं, किसी न्यायिक प्रणाली या गवर्नमेंट ऑफिस से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं चार नंबर में इन्वॉल्व है, है ना, या पांच नंबर में इन्वॉल्व है, है ना, और अगर हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो पहले नंबर पे इन्वॉल्व है। तो जैसे भैया कह रहे हैं, प्रीति दीदी कह रहे हैं कि ईमानदारी से हम यही करें तो काफी है, तो ईमानदारी को देखने जाएंगे तो सही समझ की रोशनी में ही ईमानदारी ठीक ठीक दिखती है, अदरवाइज हम अगले व्यक्ति से तो ईमानदारी की अपेक्षा करते हैं लेकिन अपने में सही समझ के अभाव में अपनी ईमानदारी को सुनिश्चित नहीं कर पाते। तो अच्छी बात है, दीदी ने अच्छा रिफ्लेक्शन दिया है, तो पांचों आयाम पूर्ण है, अच्छी बात है। एक बस थोड़ी सी बात रख के इस सेशन को हम लोग आज इस रोक सकते हैं। तो इस बात को कह रहे हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा का कंटेंट तो यही होना चाहिए कि चार स्तर की हार्मनी को समझना, है ना, कैसे समझा जाए, क्या वस्तु हो, है ना, वो शिक्षा का कंटेंट होना चाहिए। एक बार ये समझना शिक्षा के द्वारा ये कंटेंट पूरा पूरा व्यक्ति तक पहुंच जाता है तो उसके अंदर जो कमिटमेंट है ना, जो निष्ठा तैयारी और अभ्यास उस चार स्तर की हार्मनी में जीने के लिए बनता है, उसी को संस्कार कह रहे हैं। तो जैसे हम लोग शिक्षा के कंटेंट को पिछले चार दिन से सुन रहे हैं और अपने में जो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, अपने में जो ये निष्ठा बन रही है कि नहीं अब तो अपने में है ना आनंद की स्थिति तक पहुंचना है, अपने परिवार को न केवल अपने परिवार को समृद्धि तक लेके जाना है अपितु विश्व परिवार के लिए कार्य करना है ना, ये अपने में जो निष्ठा तैयारी और उसके लिए जो हम अभ्यास कर रहे हैं, जो पांच पांच छः छः घंटे रोज लगा रहे हैं, है ना, इस वर्कशॉप में भी या आपकी जो वर्कशॉप्स होती हैं वो हमारे संस्कार को दर्शाती है। तो जितना जितना मैं ठीक ठीक समझ पाया हूँ उस आधार पर जितना मेरी तैयारी निष्ठा और अभ्यास है वही मेरा संस्कार है। तो देखने जाएंगे तो समाज में चार लक्ष्य उसको पूरा करने के लिए ये पांच आयाम, उस पर बात हुई है। आगे के सेशन में इसमें थोड़ी सी बात समाज में बची हुई है उसको करके हम लोग नेचर में व्यवस्था, तो हम लोग एक बार फिर आज चौथे दिन के अंतिम सत्र में जुड़े हैं। तो मैं एक बार फिर से यथा योग्य आपका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सभी को नमस्कार। पिछले सेशन में हम लोगों ने समाज की व्यवस्था पर चर्चा करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे।
परीक्षित भैया, मेरी आवाज तो पहुंच रही है? जी भैया बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है ना? जी 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 एकदम ठीक बोलिए। पिछले सेशन में हम लोग समाज में समान मानव लक्ष्य क्या होगा है ना, उस बारे में हम लोगों ने बात की और ये तय किया कि सही समझ सही भाव हर मानव में हो ऐसा लक्ष्य दिखता है, हर परिवार समृद्ध हो ऐसा दिखता है, समाज में अभय हो, एक परिवार दूसरे परिवार के साथ विश्वास पूर्वक जी सके, ऐसा तय हुआ था। और ये भी बात हुई थी कि प्रकृति और अस्तित्व में सहअस्तित्व बना रहे, ये भी मानव का ही लक्ष्य। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पांच आयाम पे चर्चा हुई थी, शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य और संयम, उत्पादन और कार्य, न्याय एवं संरक्षण, विनिमय और कोष या भंडार, जिसमें से ये पाया गया कि शिक्षा संस्कार एक मूलभूत आयाम है, क्योंकि इस मूलभूत आयाम से ही सही समझ और सही भाव हर एक मानव में स्थापित हो सकता है और वो लक्ष्य पूरा होने के बाद ही 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के लक्ष्यों के बारे में हम सोच सकते हैं और उसके पूरा होने के बारे में सोच सकते हैं। उसी के तहत हम लोगों ने ये भी बात की कि शिक्षा क्या है, तो ये पाया गया कि शिक्षा जो है वो 4 स्तर की हार्मनी को समझना, संस्कार को कहा कि जो समझा है उसके लिए निष्ठापूर्वक तैयारी के साथ अभ्यास के साथ जीने का प्रयास करना, उसको तो संस्कार का है। तो इसी क्रम में फिर हम लोगों ने अगर देखें है ना पूरी बात को समझने जाएं तो प्रिसाइजली ये दिखता है कि शिक्षा का मूल काम तो यह है कि सही समझ विकसित हो जाए, संस्कार को ये कह रहे हैं कि सही जीने के लिए निष्ठा तैयारी और अभ्यास। तो जैसे मॉर्निंग में बात हो रही थी कि बहुत सारे जो प्रश्न उठ रहे हैं है ना समाज को लेकर परिवार को लेकर, तो बात तो उसमें इतनी है कि शिक्षा के द्वारा परिवार में सही क्या है, परिवार की व्यवस्था क्या है, समाज की व्यवस्था क्या है और इन दोनों में जीने के लिए मानव की क्या तैयारी होनी चाहिए, उस समझ का विकास शिक्षा में नहीं हो पा रहा। थोड़ा बहुत हो भी पा रहा है तो जीने के लिए जो निष्ठा तैयारी और अभ्यास की जरूरत है वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो रहा है। तो आवश्यकता क्या है इस पूरे उसमें, तो 3 बातों की आवश्यकता दिखती है शिक्षा संस्कार में। कैसा कंटेंट हो उसमें 3 मुख्य बातें हैं कंटेंट में जो मैं अपनी तरफ से ध्यान रखना चाहता हूँ। पहली आवश्यकता यह है कि मानव को जो भी शिक्षा मिल रही है उसमें उससे जुड़ा हुआ जो भी है ना भाग है, चाहे अपने से जुड़ा हुआ, परिवार से जुड़ा हुआ, समाज, नेचर या संपूर्ण अस्तित्व तक में जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था को समझाने का काम शिक्षा के माध्यम से ये प्राइमरली दिखता है, जिसको एक शब्द में हम लोग सही समझ कह रहे हैं। दूसरी बात, इस सही समझ का जितना अच्छे से विकास हो पाता है तो दूसरी आवश्यकता दिखती है कि हर मानव संबंध पूर्वक जीने की जो उसकी नीड बनी हुई है उसके लिए सही भाव क्या है, उस सही भाव की वो पहचान कर सके और उस भाव के साथ जीने की योग्यता का विकास हो सके। तो शिक्षा का एक ये भी कंटेंट होना चाहिए है ना, हो सकता है कि हर मानव दूसरे मानव के साथ किस तरह से जिएगा, परिवार में कैसे जिएगा, ऑफिस में कैसे जिएगा, प्रकृति के साथ कैसे जिएगा, वो जीने की योग्यता का विकास भी शिक्षा का काम। और तीसरी बात ये दिखती है शिक्षा के लिए कि हर मानव समृद्ध हो सके
उसके लिए सही कौशल मानव सीख सके। और जब समृद्धि कह रहे हैं तो दो बातों को साथ में कह रहे हैं, पहली कि भौतिक सुविधा की आवश्यकता की पहचान ठीक ठीक हो सके मुख्यतः, और उसके बाद फिर आवश्यकता से अधिक वो आवर्तनशील विधि से उत्पादन कर सके। उसके लिए जो भी कौशल सीखना है, जो भी अभ्यास चाहिए, जो श्रम की मानसिकता का विकास होना है, वो भी शिक्षा का ही कंटेंट हो, है ना, वो ऐसा डिजायर्ड लिखता है। तो अभी अगर हम अपनी शिक्षा के पूरे कंटेंट को उठा के देखें तो हम बेसिकली क्या सिखा रहे हैं, उत्पादन की विधियों पर हमारा पूरा फोकस है, और वो उत्पादन की विधियां कम से कम श्रम में हो इस पर फोकस है, उत्पादन आवर्तनशील हो, कहीं कहीं पे प्रयास चल भी रहा है ना, लेकिन अगर संपूर्णता में देखें तो आवर्तनशील विधि हमारे शिक्षा का हिस्सा तो एटलीस्ट नहीं, थोड़ा बहुत अब पिछले 5-7 सालों में उस पर बहुत सारी चीजें होने लगी हैं, बट अभी भी वो हमारे मेन स्ट्रीम एजुकेशन से गायब। और श्रम की जो मानसिकता है उस मानसिकता का विकास नहीं हो पा रहा है। या अगर किसानों में भी देखें तो आज से मुझे लगता है 15 साल पहले, मुझे अच्छे से याद है कि एक फसल चक्र किसान फॉलो करता था। हम में से जो लोग भी खेती किसानी से जुड़े होंगे वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि इस खेत में पहले ये वाली फसल बोई जाएगी, उसके बाद थोड़े दिन इसको खाली छोड़ा जाएगा, फिर उसकी जुताई होगी, पानी भरा जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, फिर इसकी जुताई होगी और फिर ये वाली फसल होगी। उसमें भी इस बात को तय करते थे कि कम से कम 2 से 3 सालों में एक फसल अरहर की जरूर हो, दाल की हो, जिससे शरीर जो खेत जो है वो खेत नर्चर हो सके। तो ऐसा अभ्यास तो मैं आज से 15 साल पहले अपने ही गांव में अपने ही घरों में देखता था, बट समहाउ वो कहीं ना कहीं ब्रेक तो हुआ ही। ठीक है, तो शिक्षा का कंटेंट तो ये होना चाहिए, लेकिन अभी हमारा पूरा जो फोकस है वो स्किल कैसे ज्यादा से ज्यादा सिखाई जा सके जिसमें श्रम कम से कम लगे। ये एक महत्वपूर्ण बात पिछले 4-5-10 सालों में निकल के आ रही है कि जॉब वही अच्छी है जिसमें श्रम कम से कम हो। तो जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मैं देखता हूँ कि अब बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कम पढ़ना चाहता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कम पढ़ना चाहता है, सिविल इंजीनियरिंग कम पढ़ना चाहता है, बिकॉज इन तीनों ही ब्रांचेस में जो जॉब्स हैं, मतलब जो इनकी कोर जॉब्स हैं, उनमें तो एक तरह का श्रम है। अगर आप एक्सियन हैं, है ना, असिस्टेंट इंजीनियर हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, या आप मैनेजर ही क्यों नहीं, आपको साइट पे जाना तो पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी आपकी कम ज़्यादा हो सकती है, इतना ही। तो ये श्रम की मानसिकता है ना, ये डेवलप होना भी एक आवश्यकता दिखती है। क्यों जरूरी है इसको, हम लोगों ने जब हेल्थ की चर्चा की थी तो इस बारे में बात की थी कि श्रम से जो शरीर से पसीना निकलता है वो कई बार को हमारे शरीर को मतलब बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो इसको भी हम लोग एक्सप्लोर करें अपने में कि ये तीनों ही पॉइंट शिक्षा के होने चाहिए या कोई पॉइंट इसमें से छोड़ा जा सकता है, इसको भी हम लोग तय करें अपने में। और आगे ये हम लोग देखते हैं कि एक है ना संबंध पूर्वक निर्वाह परिवार में कैसे हो, समाज में कैसे हो, उसके लिए क्या विकास की प्रक्रिया होगी मानव की। मानव की विकास की प्रक्रिया को भी देखते हैं, एक संबंध पूर्वक निर्वाह के लिए क्या विकास प्रक्रिया होगी। तो अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लें और हम अपने ध्यान को वहां लेके जाएं कि एक छोटा सा बच्चा है किसी परिवार में, तो वो शुरुआत के कुछ साल जब पैदा होता है, शुरुआत के 2 से 3 साल तक
वो अनुसरण करता है, इमिटेट करता है। तो माता पिता बुआ दादा दादी जैसा बोलते हैं वैसा इमिटेट करने की कोशिश करता है, बोलना शुरू करता है तो बोलने की कोशिश करता है, नहीं तो वो अपने हाथ पांव से व्यक्त करने की कोशिश करता है। तो शुरुआत के 3 सालों तक तो वो ये अनुसरण की प्रक्रिया में रहता है। जब उससे थोड़ा आगे बढ़ता है बच्चा तो वो आप जिस तरीके से चल रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं, है ना, जिस तरीके से ग्लास को उठा रहे हैं, जिस तरीके से थाली को सिंक में रख रहे हैं, नहा जिस तरीके से रहे हैं, अपने शरीर को जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, वो उन सभी चीजों का अनुकरण करता है, फॉलो करता है और खुद भी अपनी कल्पनाशीलता में कुछ उसे ऐड करके करता है। तो अगर देखेंगे तो अगली पीढ़ी हमसे कुछ इनोवेटिव दिखती है, सम और अदर सेंस, तो जो आपको देखते हुए वो पाते हैं उसमें अपनी कल्पनाशीलता में कुछ चला के और उसमें कुछ ऐड करके वो कुछ करने का प्रयास करते हैं। और ये करीब करीब 7-8 साल तक ये चलती है, एज आप प्लस माइनस कर सकते हैं बट ये क्रम ऑलमोस्ट यही रहता है। फिर एक समय आता है जब आप बच्चे से ये कहते हैं कि बेटा दरवाजे पे किसी ने घंटी मारी है, जरा दरवाजा खोल के आना, तो बच्चा दरवाजा खोल के आता है। और जैसा वो आपको नए व्यक्तियों के साथ प्रस्तुत होता हुआ देखता रहा होगा वैसी ही प्रस्तुति दरवाजा खोलने के बाद वो करने का प्रयास करता है। तो वो खोल के आता है दरवाजा और जो भी नमस्ते या जो भी है ना परिवार का जो कल्चर होता है उस हिसाब से वो आगे बढ़ता है। और आपकी द्वारा कही गई बात को वो मानता है ना, उसकी जांच परख करता है, अपने में अपनी कल्पनाशीलता में उसको जांचता है कि पापा जो ये बात कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं ठीक। जैसे पापा ने कहा कि टीवी बंद करो, मम्मी ने कहा ये टीवी बंद करो, ऐसी आज्ञा दी पापा ने, है ना, और ये उम्मीद है कि मैं टीवी बंद कर दूं, तो वो अपना अपनी कल्पनाशीलता में चलाता है कि भाई पापा ने मुझे 10 बजे के बाद टीवी देखने के लिए मना किया लेकिन खुद तो अपने कमरे में 12 बजे तक चलाते, है ना। तो वो यहाँ जांचता परखता है और देखेंगे तो बच्चे इस जांच परख के काम को बहुत तेजी से करते हैं और बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन, अगर आप कभी पूछें स्कोप देखना तो बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन भी देते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि जब ये आज्ञा पालन और अनुशासन वाली स्टेज में 7-8 साल का जब बच्चा होता है तो वो 2 साल 3 साल 4 साल से स्कूल भी जाता रहता होगा। आजकल तो 3 साल से ही बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, 2 साल से ही, तो करीबन 5-6 साल से स्कूल जाने लगा होगा। अब सिर्फ आप ही आज्ञा दे रहे हैं ऐसा नहीं है, स्कूल में टीचर्स भी आज्ञा दे रहे हैं, स्कूल में जो बड़े बच्चे हैं वो भी आज्ञा दे रहे हैं, है ना। अब ये 2 अलग-अलग तरीके के लोग है ना उस बच्चे को इनपुट दे रहे होते हैं और इन दोनों के ही इनपुट को बच्चा अपने में रिसीव करता है और जांच परख करता है। तो अगर परिवार में माता पिता दादा दादी एक तरह से संबंध पूर्वक जी रहे हैं और उनमें है ना भाव के स्तर पर है ना पूर्णता दिख रही है तो बच्चा बचपन से ही उन्हीं भावों का अनुसरण करता है, अनुकरण करता है और आपकी आज्ञा का पालन अपनी कल्पनाशीलता में जांच परख करते हुए उसको फॉलो करता है, आज्ञा को पालित करता है। और टीचर भी अगर ऐसा मिल जाए, ऐसा स्कूल मिल जाए तो वहां के इनपुट को भी वेरीफाई करता है और धीरे धीरे एक 12-13 साल की स्थिति आते आते उसमें सही क्या है इस बात का निर्णय लेने की एक योग्यता का विकास हो जाता है। तो करीब करीब 13-14 साल है ना 15 साल तक ये बात आके यहाँ स्वानुशासन पे टिक जाती है। तो एक हाई स्कूल पास बच्चा जनरली ये देखने को मिलता है अगर उसके परिवार में एक तरीके का संबंध पूर्वक जीने का माहौल है, स्कूल में एक संबंध पूर्वक जीने का माहौल है, तो उस बच्चे में सही क्या है इस बात को समझने की योग्यता का विकास हो जाता है
अब उसको अनुशासन और आज्ञा पालन की बहुत जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने में ही स्वानुशासित होकर आगे की अपनी जीवन यात्रा को करता है। और जब वो 11th, 12th और ग्रेजुएशन करके एक नौकरी को है ना लेता है और वहां अपने परिवार की समृद्धि को इंश्योर कर पाता है, तो अपने में एक लक्ष्य पूरा होता हुआ दिखाई देता है और अपने में आत्मविश्वास बनता है। इस आत्मविश्वास के साथ है ना, क्योंकि वो सही को जान चुका है, सुख क्या है इसको जान चुका है, समृद्धि क्या है इसको जान चुका है ना, या कम से कम एक स्तर तक की यात्रा कर चुका है, तो फिर अब एक स्थिति ये आती है कि परिवार वाले कहते हैं कि विवाह करो। अब वो जब अपने साथी का चुनाव करने जाता है, या ऐसा परिवार जब साथी का चुनाव करने जाता है, तो मान्यताएं उनके आड़े नहीं आती, क्योंकि जानने के बाद मानना तो और निश्चित होता दिखता है, पहचान में और सुगमता होती जाती है, निर्वाह और स्पष्ट होता जाता है कि यही होना है, यही करना है। और ऐसा व्यक्ति एक सही साथी का चुनाव करते हुए है ना आगे की जनरेशन को बढ़ाने में मददगार होता है, और जो नई जनरेशन पैदा होती है इस प्रक्रिया के द्वारा, तो उससे जो अनुसरण अनुकरण आज्ञा पालन से वहां का भी बच्चा स्व अनुशासन और आत्मविश्वास तक बढ़ जाता हुआ दिखता है। एक मेथड तो ये है कि परिवार में संबंध पूर्वक अगली पीढ़ी की योग्यता पर काम हो, अगली पीढ़ी को नर्चर करने का काम हो, प्रोटेक्ट करने का काम हो, उसको समझदार जिम्मेदार बनाने का काम है ना। वो भी जान सकता है उसमें भी पोटेंशियल है, इस बात को ध्यान में रखते हुए माता पिता दादा दादी चाचा ताऊ कॉलोनी के सभी लोग, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के सभी लोग प्रयासरत होते हैं। अब जाके एक ऐसे मानव बनता है जो अपने लक्ष्य को तो पूरा करता ही है, समस्त विश्व के लक्ष्य को एक अखंड मानवीय समाज सार्वभौम मानवीय व्यवस्था के लिए भी प्रयासरत होता है। लेकिन आज की स्थिति को अगर देखें तो आज की स्थिति कुछ अलग दिखाई देती है। तो यहां तक कोई प्रश्न अगर हम में से किसी का है तो एक हैंड रेज दिख रहा है, मेरे ख्याल से पुराना ही है गणपत सर का हैंड रेज। हाँ, अनिल भैया ने हैंड रेज किया था जी। अनिल भैया माइक आपको प्रोवाइडेड है। जी सर नमस्कार, मैं सुषमा बोल रही हूँ। पहले मैं बोलूँ सर कि अनिल जी के लिए रुकूँ? जी जी नमस्ते नमस्ते जी। सर जो आपने अभी शुरू में लिया था कि आवश्यकता से अधिक आवर्तनशील विधि से उत्पादन, वो चीज में थोड़ा सा और समझना चाहती हूँ सर। जी यदि अभी नेचर पे बात अभी करेंगे थोड़ी देर में जी, तो वहाँ इस बात को ले लेंगे, अगर वहाँ ये बात क्लियर नहीं होती तो आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। जी जी तो निधि जी हैं। जी सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये जो स्व अनुशासन आपने बताया सर, इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देते सर तो बहुत अच्छा रहता सर। स्व अनुशासन ये कह रहे हैं, स्व अनुशासन इस बात को कह रहे हैं कि हमने कोई भी इनपुट बच्चे को दिया है ना, एक मेथड तो ये हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने बच्चे से कहा कि सुबह उठ के अपने सारे होमवर्क को करना है ना, सुबह उठना है, फ्रेश होना है ना, नाश्ता करना है, अपना होमवर्क करना है और अपना बैग तैयार करके घर जाना है, मतलब स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है, ऐसा हमने उसको आज्ञा दिया, एक दिन बैठा के पूरा समझा दिया। और ये एक तरीके से हमने एक मेथड तो ये है कि हमने उसको समझाया कि भाई ये सब क्यों जरूरी है ना, और उसको जांचने पर रखने का मौका दिया, क्योंकि वो जांच सकता है कि सुबह उठना क्यों जरूरी है, वो जांच सकता है कि सुबह उठ के फ्रेश होना क्यों जरूरी है ना। जब हम उससे ये कहते हैं कि जो हमारा शरीर है उसका स्वास्थ्य तो एक साइकिल है ना, हम कोई इंटेक लेते हैं और उसका शरीर से बाहर एक निश्चित समय में है ना मल का बाहर जाना एक आवश्यकता है शरीर के स्वास्थ्य के लिए। अब अगर ऐसे उसको दिखा पाते हैं और उसके ऊपर छोड़ देते हैं इस बात को, तो वो खुद तय करे,
तो वो अपने में इस बात को जांच परख पाता कि ये बात तो ठीक है। अगर जैसे एक प्रस्ताव उसके सामने ये रखें कि देखो ये जो आपकी छोटी सिस्टर है ना या छोटा भाई है, ये आपके साथ तो संबंध पूर्वक जीना चाहता है नहीं जीना चाहता है बताओ, तो बच्चे कहते हैं नहीं जीना चाहते हैं। तो फिर अगली बार उससे ये पूछ सकते हैं कि भाई ये बताओ कि कल जो आप लोगों का झगड़ा हुआ था उसका कारण क्या था। हम क्या करते हैं ना कि जांचने परखने वाला जो ये भाग है ना उसको मिस कर देते हैं। तो पूरा हमारा प्रयास रहता है कि बच्चा अनुशासित रहे, बच्चा आज्ञा पालन करे। आज्ञा पालन और अनुशासन का एक समय होता है, एक समय आता है जब आज्ञा पालन और अनुशासन से बात को पहुंचाया जाता है, लेकिन एक समय के बाद जब उसमें जांचने परखने की योग्यता का विकास हो जाता है तब भी अगर हम अनुशासन और आज्ञा पालन वाली ही स्टेज को फॉलो करते रहते हैं ना तो ये वाला ब्लॉक मिस हो जाता है, तो वो पूरा जीवन अनुशासन में ही बीतता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो बच्चा अपने में जांच पाता है कि पढ़ना क्यों जरूरी है ना, या खेलना जरूरी है तो पूरे दिन खेलना जरूरी है या है ना एक समय पर खेलना है, लेकिन उस समय पर खेलना है ये बात तो ठीक है, खेलना क्यों जरूरी है ये अगर हम उसको बता पाए, पढ़ना क्यों जरूरी है ये बता पाए और बता के छोड़ दें, थोड़ा उसको जांचने परखने दें। अभी हम उसको जब बताते हैं कि पढ़ना है तो ये नहीं रिलेट कर पाते उसके साथ कि उसे क्यों पढ़ना है, तो बताते हैं कि देखो ऐसा करो कि नहीं पढ़ोगे तो भैया आपसे आगे निकल जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो वो जो आपका दोस्त है वो आपसे आगे निकल जाएगा। अब क्या है ये मोटिवेशन कुछ दिन तो काम करता है, तो उससे कुछ दिन तो वो अनुशासित रहता है ना, लेकिन वो स्व अनुशासन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और उसका नुकसान यह होता है कि अपने ही भाई अपने ही बहन अपने ही दोस्त के खिलाफ वो ईर्ष्या के भाव से भर जाते हैं। स्व अनुशासन की स्थिति अपने में तब व्यक्ति देख पाता है जब ये जांचने परखने का जो काम है वो एक्टिवेट हो पाता है। जैसे हम अपने को ही देखें कि हम सभी चाहते हैं कि सुबह उठ के है ना योगा करें प्राणायाम करें और एक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सभी चाहते हैं, लेकिन इसको कभी जांच परख के देख नहीं पाया कि ये सारा क्यों जरूरी है। अपने में क्यों का प्रश्न करके अगर उसको स्पष्टता से देख पाते हैं तो मुझे किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है कि सुबह उठना है, मुझे किसी अनुशासन की जरूरत नहीं कि ऑफिस टाइम से आना है। जैसे बहुत सारा स्टाफ अगर ये थम को देखें है ना, थम इम्प्रेशन से जो अटेंडेंस होती है, इसको क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि ऊपर का व्यक्ति भी इस बात को नहीं देख पा रहा है कि भाई संबंध क्या है, व्यवस्था क्या है ना, विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये जो साथ में लोग काम कर रहे हैं ईमानदारी से करेंगे कि नहीं करेंगे। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि अगर इसको हटा दिया जाए तो लोग टाइम से नहीं आएंगे। तो हर मानव अपने में सही को जांच परख सकता है। अब जो मानने वाला काम है वहां यहां हो सकता है कि आज्ञा दी मानना है, अनुशासन लगाए रखा है तो मानना पड़ेगा। स्व अनुशासन जो है वो बेसिकली ये है कि व्यक्ति का अपने पर अपनी व्यवस्था पर ध्यान है पूरा पूरा, वो ये देख पा रहा है कि मेरा मैं मेरा शरीर ये दोनों सहस्तित्व में, मेरे मैं में संयम इंश्योर होगा तो शरीर का स्वास्थ्य होगा, मेरा मैं समझदार जिम्मेदार होगा तो मैं सुखी होऊंगा, मेरा मैं समझदार होगा तो मैं अपनी आवश्यकता की पहचान ठीक ठीक से कर पाऊंगा। अब अगर ये जांच परख नहीं हो तो कोई हमें आज्ञा दे रहा होता है, कोई हमारे ऊपर अनुशासन लगा रहा होता है, कोई हमको बता रहा होता है कि देखो इंक्रीमेंट तब मिलेगा प्रमोशन तब मिलेगा जब ऐसा करोगे। एक बार मैं जांच परख लूं तो मैं अपने आधार पर ये तय कर पाता, कोई और मेरे ऊपर शासन नहीं करता और मेरा विश्वास मेरे से संबंधित है ना, मेरा इंटरनल मैटर है ना, मुझे ये दिखता है कि मैं स्वयं के सुख समृद्धि और उसकी निरंतरता के अर्थ में कार्य कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास बनता है। अभी ये आत्मविश्वास ही पीढ़ी से गायब होता जा रहा है ना, जो ये सुसाइड्स के केसेस बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं,
ये आत्मविश्वास ही नहीं हो पाया इस पूरे प्रोसेस में कि अगला व्यक्ति सुखी हो सकता है। तो माता पिता का अगर डाइवोर्स हो गया तो अगली जनरेशन में वो विश्वास कहां से आएगा कि विवाह करके सुखी हुआ जा सकता है। कभी देखें तो एक बड़ी बड़ा चैलेंज निकल के आ रहा है कि विवाह नहीं करेंगे। अगली जनरेशन कहती भी दिख रही है क्यों किया जाए, जब लड़ना ही है तो विवाह किस बात का, अलग अलग रहेंगे, कम से कम ऑफिस में ही लड़ाई होगी, घर में तो नहीं होगी। तो इसके मूल कारण को देखेंगे तो जो अभी की स्थिति, यदि भी आपका आंसर उत्तरित हुआ क्या, क्वेश्चन उत्तरित हुआ क्या? यस सर। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या मैं अपनी एक बात को सर आपकी बातों से एड ऑन कर सकती हूँ क्या? सर मेरी वॉइस नहीं आ पा रही क्या? हाँ, आपने अभी पिछले 20 सेकंड में क्या बोला, एक बार फिर बोल देंगे? सर मैंने ये बोला कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ये बोलना चाहती हूँ सर कि आपने जो बोला है कि स्वयं में जांच परख ले, है ना, तो मैंने देखा मेरे मम्मी पापा 4 बजे उठते थे, मैंने उनका कभी अनुसरण नहीं किया, अनुकरण नहीं किया, बट सर जब मैंने स्वयं को जांचा परखा कि आज मैं जल्दी उठ रही हूँ सो के, तो मेरा पूरा दिन बहुत बड़ा बड़ा सा हो रहा था, सारे काम मैं जल्दी खत्म कर पा रही थी, तो मैंने जब स्वयं में जांचा परखा तो वो चीज मुझे समझ में आई सर, तो इसलिए मैं आपकी बातों से बहुत सहमत हूँ। थैंक यू सर। ठीक बात। तो अभी आज की स्थिति को जब देखते हैं तो आज स्थिति ये दिखाई देती है कि बच्चा जो अनुसरण है ना, बच्चा जो इमिटेट कर रहा है ना, तो बच्चा इमिटेट तो तब भी कर रहा है, लेकिन जो पीढ़ी है ना, वो पीढ़ी जो है वो अनुकरण है ना, तो देखेंगे। जी नहीं आ रही सर, बीच की आवाज कट गई थी, थोड़ा रिपीट कर दीजिए। मैंने थोड़ी देर के लिए अपने को म्यूट किया था। जी ठीक है। तो अभी देखेंगे कि अगर संबंध पूर्वक हम नहीं जी पा रहे हैं परिवार में, है ना, तो बच्चा अनुसरण तो तब भी कर रहा है, तो हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ माता पिता है ना, या बड़े भाई जो आपस में बात कर रहे हैं, बच्चा उनका अनुसरण कर रहा है और एक स्टेज के बाद उनका अनुकरण भी कर रहा है। तो जिन शब्दों का इस्तेमाल माता पिता या बड़े भाई बहन करते हैं उन शब्दों का इस्तेमाल वो बच्चा भी करना शुरू करता है, और चूंकि वो शब्द अपने में हमें तो कंफर्टेबल नहीं होते, हम बोल रहे होते हैं है ना, हम आचरण कर जरूर रहे होते हैं लेकिन वो हैंडल नहीं हो रहे होते, मतलब हमको नहीं ठीक लग रहे होते, हमको लगता है कि ठीक है थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल तो हो गया, ये विरोध ठीक तो है बट क्योंकि मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं, जो है वो इसका इस्तेमाल ना करें, अगली पीढ़ी विरोध में ना आए, अगली पीढ़ी संबंध पूर्वक जी, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनको ये आज्ञा देते रहें कि तुम ऐसा मत करो, और उनसे बार बार सही का प्रस्ताव देते रहते हैं, प्रस्ताव भी क्या, सही के लिए हम उनके ऊपर दबाव बनाते रहते हैं, और वो दबाव कहीं ना कहीं शासन पूर्वक होता है, आप अनुशासन को बनाए रखने के लिए शासन करने लगते हैं, है ना, आप मतलब हम सभी, है ना, तो वो शासन पूर्वक हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे द्वारा कही गई बात का पालन हो, स्वयं में जांच परख नहीं हो पाती, फिर थोड़े दिनों के बाद बच्चा मनमानी करने लगता है ना, उसको लगता है कि ये आपस में तो लड़ाई लड़ रहे हैं और हमसे कहते हैं कि भाई से मत लड़ो, छोटी बहन को मारो मत, तो वो अपनी मनमानी करता है, तो आपके सामने हो सकता है झगड़ा ना करे लेकिन जब भी मौका मिलता है छोटे वाले को धीरे से है ना मारपीट के अलग ही हो लेता है। तो देखेंगे तो ये मनमानी और शासन एक समय तक चलता रहता है,
लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जब बच्चा रिवोल्ट करने लगता है, आपकी बात को सीधे सीधे मना कर देता है, मैं नहीं करूंगा। आप कहते हैं कि भाई सुबह उठना है, सुबह उठ के पढ़ना है, तुम्हारा बहुत सिलेबस बचा हुआ है, मैं नहीं पढ़ता, मैं ये काम नहीं करूंगा। देखेंगे कि उसके मूल में या शुरुआत से जो शासन करना है और उसके भी मूल में जो परिवार में अलग अलग सदस्यों का आचरण है, कहीं ना कहीं वो कैरी फॉरवर्ड होता है। और एक ऐसी समस्या आती है, एक ऐसा समय आता है जब किशोरावस्था में बच्चा आता है, टीनेजर होता है ना, वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाता है, तब वहाँ एक तरह से वो है ना अध्यापकों के सामने भी विद्रोह करता है और पेरेंट्स के साथ तो करता ही। तो पेरेंट्स 2 लाख रुपए साल की फीस भर रहे हैं, लेकिन अगर दोस्तों के साथ एक ट्रिप का पैसा पेरेंट्स नहीं देते हैं, तो वही बच्चा ये कहता हुआ मिलता है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए क्या किया। तो ये द्रोह आया कहाँ से, ये विद्रोह कहाँ से हुआ? और वो जब छुट्टियों में आता है तो ये लड़ाई करता हुआ हमसे मिलता है कि देखिए फलाने के जो पिताजी हैं, माता से भी नहीं दीदार है ना, मैं एक छोटी सी ट्रिप के 1,000-2,000-5,000 ही तो मांग रहा था, कौन सी बड़ी बात। आगे चल के जब यही बच्चा नौकरी करता है तो नौकरी में भी संघर्ष को अपने में देखता है, और उस संघर्ष के साथ जब अगली पीढ़ी है ना के लिए वो है ना विवाह करता है, तो देखते हैं कि जो विवाह के लिए अगला व्यक्ति है, लड़का या लड़की, वो भी सेम स्थिति से गुजर रहा होता है, वो भी एक तरह के शासन के साथ है ना तैयार हो रहा होता है। अब ये दोनों जब मिलते हैं तब युद्ध होता है, और फिर उस युद्ध को संभालने के लिए रिश्तेदार आते हैं दोनों तरफ के, और वो कुछ 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 रिश्तेदार एक तरफ हो जाते हैं, कुछ रिश्तेदार दूसरी तरफ हो जाते हैं। देखेंगे तो इस पूरी लड़ाई के बीच में जो नई पीढ़ी आती है वो पिछली पीढ़ी से कम विकसित होती है। अगर हम लोग अपने में रिफ्लेक्ट करें तो जो हमारे दादा दादी थे है ना, नाना नानी थे है ना, वो दादा दादी नाना नानी ये सभी हमसे है ना हमसे संबंध पूर्वक जीने में हमसे बेहतर थे, ये दिखता है कि इस मामले में तो हमसे वो बेहतर थे। तो धीरे धीरे ये बात दिखती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये विकास कहीं ना कहीं क्रमिक तौर पे घटता गया है ना। तो देखेंगे तो ये दो ऑप्शन अपने में दिखाई देते हैं, एक ऑप्शन जो बाईं तरफ है, जैसा हम हो सकते हैं या हम होना चाहते हैं या हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस, एक ये है कि जो दाहिनी तरफ है, जो आज की हमारी स्थिति है ना। तो इस पे हम में से किसी का कोई इनपुट हो, एक रिफ्लेक्शन है, क्वेश्चन या रिफ्लेक्शन हो तो ले सकते हैं भैया। और एक रिफ्लेक्शन भी आपके सामने है, राजेंद्र जी हैं हमारे साथ। राजेंद्र भैया नमस्ते, प्रदीप कुमार जी भी हैं, तो दोनों के पास माइक है, आप अपनी माइक अनम्यूट करके बात करते हैं। जी राजेंद्र भैया नमस्ते, स्वागत है। जी सर, जी नमस्कार सर, मैं अपनी बात रख नमस्ते हूं। जी जी राजेंद्र भैया प्लीज प्लीज। जी सर, हम सर दोनों हस्बैंड वाइफ क्या हैं, दोनों टीचर हैं, और हम दोनों लगभग सर 4:30-5 बजे डेली उठ जाते हैं। अब सर दिक्कत हमारी कि हमारी डेली रूटीन तो बहुत बढ़िया है, पर सर बच्चा सर जो हमारा बालक है सर, जो वो सर बिल्कुल नहीं हमारा अनुसरण नहीं करता सर, बिल्कुल कंप्यूटर टीवी मोबाइल इसमें ही लगा रहता है सर, तो इसका कहीं कुछ समाधान सर?
हेलो जी जी भैया, आपकी बात पहुंच पाई था। आलू भैया का थोड़ा कुछ नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ, आलू भैया भी जुड़ते हैं तो रिस्पांस करते हैं। जी जी राजेंद्र जी, आपने ये रिफ्लेक्शन रिस्पांस कर दिया है ना? जी जी सर जी जी बढ़िया। दिलसाद भैया आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ आलोक भैया नमस्ते। आलोक भैया हेलो जी, नमस्ते राजेंद्र जी, बताइए। जी नमस्कार सर, मेरा सर प्रश्न ये था कि सर हम पति पत्नी तो सर दोनों काफी स्वअनुशासित है, लोग साढ़े चार प्रतिदिन हम 4:30-5 बजे उठ जाते हैं और जो दिनचर्या है उसके अनुसार काफी स्वअनुशासन में रहते हैं। हमारा बालक सर काफी समझाइश करने के बाद भी अभी 8-9 में बिल्कुल सर कंप्यूटर टीवी में ही सर बहुत ज्यादा ध्यान एंगेज रहता है, इसका कोई भी समाधान सर? जी अभी देखिए क्या है ना कि जो बच्चे को इनपुट मिल रहा है तो वो परिवार से भी मिल रहा है, समाज से भी मिल रहा है, स्कूल कॉलेज से भी मिल रहा है, उसके दोस्तों से मिल रहा है, हर तरफ से इनपुट मिल रहा है, तो पूरे इनपुट को जो है वो हमको देखना होगा। अब परिवार में भी हमारा जो है वो दिनचर्या तो ठीक है, हम टाइम से उठ जा रहे हैं, पर बच्चा जो है वो हमारे व्यवहार से भी आश्वस्त हो पा रहा है कि नहीं, हमारे जो कार्य हैं उससे भी आश्वस्त हो पा रहा है कि नहीं। हम उठ तो जा रहे हैं टाइम से पर जब बच्चे के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो वो व्यवहार बहुत ठीक नहीं हो रहा है। अगर इस तरह की भी गड़बड़, और वो बच्चा जो है वो ओवरऑल देखता है, और कोई भी बच्चा क्या जो मैं भी हूँ वो भी ओवरऑल देख रहे हैं, हर एक मानव ये दिखता है कि वो ओवरऑल सारी बातों को देख रहा है, तो इसलिए जो है वो अब मतलब मेरे ऐसे बता देने से कि कुछ उपाय हो जाए और ठीक हो जाए तो मुझे लगता है जिम्मेदारी समझदारी के साथ अगर हम जीते हैं तो और हमारा व्यवहार ठीक। ये बात मैं पहुंचा पाया आप तक? जी जी सर, जी सर बराबर। जी प्रदीप कुमार जी हैं? जी सर जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बताइए सर। मैंने ये जो दो चार वाक्य सुने बच्चों के अनुसरण और आज्ञा पालन के लिए, इसका मैं भी उदाहरण हूँ। मैंने कोई बच्चों को अपने तरफ से कभी भी कुछ भी, दोनों बेटियां में भी कभी भी कुछ उनमें प्रसर नहीं डाला न दबाव डाला। हम दोनों पति पत्नी जॉब में थे, अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं। अब अर्ली मॉर्निंग हम लोग सुबह 9:30 बजे घर से निकलना रहता था, तब भी आप अपना वर्क करके हेल्प करने का प्रयास करते अपने आप। ऐसे ही हमारे पिताश्री थे, अपने दादाजी के रिस्पेक्ट करना, उनकी देख रेख करना, मैं लेट आ रहा हूँ तो संकुल इंसार्ज सब रात में लेट आया, शाम को लेट आया, स्कूल से आने वाले, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे व्यवहार से बच्चे सीखते हैं। और आज जो परेशानी कुछ आ रही है बच्चों में ना सीखने की समझ, समझ में कमजोरी, समझना ना समझ करना उसको, वो एकल परिवार कारण, जहाँ संयुक्त परिवार रहे और यदि उस परिवार का माहौल आदर्श परिवार रहा तो बच्चे कुछ ना कुछ अवश्य सीखते, समाज अपने परिवार से सीखकर और अपने आप को उस ढंग से ढालने का प्रयास किया है। तो मैंने कई अनुभव देखे हैं, तो आज एकल परिवार है वो भी कुछ परेशानी का सबब बन रहा है।
धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये बात ठीक है, अगर हम लोग अपने परिवार में जिम्मेदारी के साथ जीते हैं तो वो जो जिम्मेदारी के साथ जीते हैं ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे लिए, वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, वो सबके लिए जो है ये दिखता है कि वो ठीक है। और जिम्मेदारी से ही जीना जो है वो बनता भी है, अन्यथा अगर कुछ करेंगे तो फिर उसका जो परिणाम है वो भी हम ही को मिलता है। और जी एक बात ये है कि जबरदस्ती उन पर अनुशासनात्मक ढंग से दबाव डाला जाए तो बच्चे मेरा अंदाज बाद में विद्रोही वही बच्चे बनते हैं। जैसे मौका मिलता है उनका मेजोरिटी जब बड़े होते हैं प्लस टू के बाद बाहर गए वो माहौल देख कर भी विद्रोह करना सीख जाते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक बात, ठीक बात, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग काफी अच्छे से ध्यान देके पूरी बातों को सुन रहे हैं और अपने में जांच परख कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा मुद्दा है, बहुत ही अच्छी बात है। और जी धन्यवाद प्रदीप जी। आलोक भैया, रिचित भैया, आलोक भैया का क्या नेटवर्क छूट गया है क्या, देखेंगे थोड़ा। जी जी भैया, आलोक भैया कनेक्ट हुए थे फिर डिस्कनेक्ट हो गए, मैं बात करता हूँ। हाँ, तब तक हम लोग एक दो प्रश्न और ले लेते हैं। सुनीता शर्मा जी हैं। नमस्कार सर। हाँ सर, सर मैं उस पर अपनी बात रखना चाह रही थी कि जैसे सर लोग ने कहा कि उनका बच्चा लेट उठता है और अनुसरण नहीं करता, तो मेरा मानना है कि सर बच्चा भले ही लेट उठे, 8 या 10 बजे उठे, लेकिन यदि वो उसमें अनुशासन है, वो स्वयं अपने में जांच परख कर पा रहा है और चीजें व्यवहार और उसका कार्य ठीक है और वो आधुनिकता और हमारी परंपराओं के बीच यदि सामंजस्य बिठा पाता है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परेशानी तब आती है जब हमको ये दिखता है कि वो हमारी थिंकिंग, जो हम उसके बारे में सोचते हैं कि वो ऐसा बनेगा, ऐसा करेगा, यानी जो हम एक मॉड्यूल बना लेते हैं कि हमारा बच्चा हमारे हिसाब से ऐसा व्यवहार करना चाहिए, सर मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट वहां पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये तब पैदा होता है, और ये भी कॉन्फ्लिक्ट तब पैदा होता है जब आपस में विचारों का आदान प्रदान न हो और हम अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं या बच्चा जो है वो हमें नहीं समझ पा रहा। लेकिन यदि वो समझ पा रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो हम बोल रहे हैं कि बच्चा अनुशासनहीन हो जा रहा है, तो वो समस्या का समाधान यहाँ बातचीत के थ्रू या एक दूसरे को समझ के स्तर पे हम उसको ठीक कर सकते हैं सर। और सर स्कूल में भी मैं देखती हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं, जैसे अभी ऑनलाइन सब क्लासेस चल रही है सर, तो फोन लगाओ तो कुछ बच्चों का फोन तो तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो समझ में आता है कि बच्चों ने आपको ब्लॉक कर दिया है। तो जो आवश्यक संदेश है वो हम उन तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं, तो ये एक समस्या है सर। लेकिन इसको भी जब बच्चे स्कूल में आते हैं, उनके साथ जब बात किया, मैंने स्वयं बात किया क्योंकि मैं 10th class की क्लास टीचर हूँ, तो जब मैं उनको समझा पाई कि क्यों जरूरी है और क्या जरूरी है, तो सर वो प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं। मैं कभी भी बात करूं तो वो रिस्पॉन्स करते हैं क्योंकि वो समझ गए कि मैं फोन क्यों कर रही हूँ। उनको कई टीचर फोन करते हैं और डांटते हैं, आदेश देते हैं, मैं खुद भी सुनती हूँ पास में बैठती हूँ, तो कि फोन नहीं उठाते हो, ये नहीं करते हो, वैसे नहीं करते हो, तो हो सकता है कि वो उनके अंदर डिसरेस्पेक्ट की भावना भी आती है टीचर्स के अंदर। लेकिन एक स्तर पे जब हम बालकों को समझ जाते हैं और अपनी सही बात उन तक समझा पाते हैं तो मुझे लगता है बच्चे बात सुनते हैं सर, तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है सर। थैंक यू सर। जी मैं भी एक मतलब एक बार एक सर वर्कशॉप करके गए और वो भी ये बात कहते थे कि बच्चा उनका सुबह जल्दी उठता नहीं है, हम बहुत परेशान रहते हैं। ये वर्कशॉप करके गए, कुछ उनको बात ध्यान में आई हो, अगली बार वर्कशॉप में दोबारा से वो फिर से आए, उन्होंने बताया कि हम अब मेरा बच्चा जो है ठीक से उठने लगा। तो बोले क्या किए, बोले कुछ नहीं, हमने घर में एक बोर्ड चर्चा घर में हमने बोर्ड लगा दिया और बोर्ड में ये कहा कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपना नाम लिख दे,
जिस टाइम पर वो सुबह उठे, वो सबका नाम वहां लिखा है, वो केवल अपना टाइमिंग उसमें लिख दे किस टाइम पर हम उठे। तो बोले हर व्यक्ति जो है उसमें अपना टाइम लिख देता था। अब एक टाइम ऐसा हुआ कि टाइम लिखते लिखते ये दिख जाता था कि भाई कौन कितने बजे उठ रहा है। किसी ने किसी से कोई क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने किसी से कुछ बोला नहीं, बस टाइम लिख देते थे। और उसके बाद एक टाइम पे ऐसा हुआ कि वो बच्चा भी जो है वो टाइम से उठने लग गया। तो इस तरह से ध्यान दिलाया जा सकता है। हाँ सर, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। मतलब ये बहुत अच्छी टेक्निक है, यही टेक्निक है, ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि यही है, सबका अपना अपना स्तर पे, क्योंकि हम मनुष्य हैं सर, हमारे पास इतनी समझ तो है कि किस व्यक्ति को कैस किस तरह से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो जी, तरीके जी, अनेक जी, हो सकते हैं। ठीक बात, उनमें से ये एक अच्छा बढ़िया तरीका। हाँ सर, बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया जी। प्रदीप, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रदीप मुदगल जी हैं, हाँ नमस्कार मैम, आवाज आ रही है? नमस्ते नमस्ते, आ रही है आ रही है, बताए। सर मैं ये कह रहा था कि अनुसरण और अनुकरण क्या दोनों एक ही हैं? नहीं, देखिए जो अनुसरण की बात की तो बच्चा सीधे सीधे जो इनपुट है उसको वो कर लेता है, हम बोलते हैं कुछ उसको वो सीधे सीधे मान लेता है, तो उसको कह रहे हैं अनुसरण। अनुकरण में वो अपना भी कुछ इनपुट मिलाता है, जैसे हमने देखा कि भाई पेन का ढक्कन कैसे खोलना है, उसको कैसे खोलना है उसको नहीं समझ में आ रहा, तो उसको खींच भी रहा है, घुमा भी रहा है, दांत से भी कर रहा है, पैर से भी कर रहा है, कहीं और भी फंसा रहा है, तो अपना भी कुछ इनपुट वो मिलाता रहता है, तो उसको कह रहे हैं अनुकरण। अनुसरण में वो सीधे सीधे जो है वो जैसे किसी की नकल करके बताओ वो दादाजी की नकल कर रहा है, लेकिन अनुकरण में वो पता चला कि वो लाठी भी उसी में चलाते चलाते वो छड़ी भी घुमाने लगा और भी कुछ कुछ अपना भी ऐड करने लगा, तो उसको कह रहे हैं अनुसरण। अच्छा, दूसरा ही कह रहे हैं कुछ बच्चे देख करके अनुसरण, ये बात कुछ क्लियर कर पाए हम लोग जी। जी मैम, दूसरा इसी में एक और प्रश्न है मेरा कि जैसे कुछ बच्चे देख करके या अनुशासन के माध्यम से अनुसरण या अनुकरण कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चा नहीं कर रहा है तो हम उसको किस प्रकार से मूव कर सकते हैं? मैम मुझे लगता है अगर हम जिम्मेदारी के साथ जीते हैं, हम बच्चे से कह रहे हैं कि सच बोलो, हम कुछ झूठ बोल रहे हैं, अपना खाना खा के थाली जो है वो बेसिन में रखो, सिंक में रखो, हम खुद ही नहीं रख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई खाना ठीक से खाओ, हम ही खुद से नहीं खा रहे हैं, तो बच्चा ये छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करता है। जब वो इन बातों को ऑब्जर्व करता है और वहां पर जो हम गड़बड़ी करते हैं, तो इसलिए जो है ये बच्चे में जो है वो अनुसरण और अनुकरण में फिर वो गड़बड़ी होती जाती है। और वो जब जांच परख का काम करता है तो ये दिखता है कि भाई अभी तो जब जांचने गया तो जांचने में उसने देखा भाई कि जैसा ये पिताजी कह रहे हैं माताजी कह रहे हैं वैसे कर नहीं रहे हैं। अच्छा, वो फिर धीरे धीरे स्कूल जाने लगता है, जब स्कूल गया तो वहां देखा कि भाई टीचर ठीक लग रही है। अब देखिए हमको ये कहना पड़ता है थोड़े दिन बाद में, बच्चे से ये कहना पड़ता है कि ठीक से रहो कि नहीं तो हम टीचर से बता देंगे। अब सोचिए हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा है, टीचर की सुन रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं हम पे बच्चे का विश्वास उठ गया है। क्या हम इस बात को देख पा रहे हैं? पर हमको तो लगता है कि बच्चे को डराना है, तो अब बच्चा हमसे नहीं डर रहा है तो पड़ोसी के कोई अंकल को बुला लो। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि लोग लेके आते हैं, चलो यार हमारे बच्चे को थोड़ा डरा दो, बिल्कुल शैतानी करने लगा, सुनता नहीं, ऐसा भी हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बिल्कुल इस चीज को अपने आप में क्लियर कर पाया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक जी, धन्यवाद। हमारे साथ हेमंत निगम जी भी हैं। जी सर जी, नमस्ते सर, नमस्कार, आवाज आ रही है जी? आ रही है। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब बच्चा छोटा होता है, 5 साल के बाद थोड़ा सा होश संभालता है या समझना शुरू करता है, तो ये बहुत डिपेंड करता है सर कि हम क्या कर रहे हैं। अगर कुछ माँ बाप खुद ही
अनुशासन में नहीं रहते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो वो बच्चा भी नहीं करता उसके साथ। जैसे आपने अभी बात बोली ना कि वो फॉलो करता है हमको, तो बच्चे जो होते हैं जब वो 5 साल के बाद होश संभालते हैं थोड़ा सा समझने की उनके अंदर शक्ति आती है, तो वो हमको ही फॉलो करते हैं। मतलब बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप की इमेज होते हैं। अब एक आप एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए, बिटिया है, छोटी है, 5-6 साल की बिटिया है, वो माँ की चुन्नी ओढ़ के खड़ी हो जाती है, तो उस बच्चे को किसने सिखाया चुन्नी ओढ़ के खड़े हो? किसी ने सिखाया। वो माँ को साड़ी पहनते हुए देखती है और उसी को फॉलो करके वो खड़ी हो जाती है। तो ये बहुत अधिकतर माँ बाप पे निर्भर करता है कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से बिहेव दूसरों से कर रहे हैं, किस तरह से घर में अपना वातावरण उन्हें बना रखा है, किस तरह का उनका व्यवहार है अपने बच्चों के प्रति और बाहर दूसरों के प्रति। तो बच्चे जो हैं वो माँ बाप की इमेज होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमको अपना व्यवहार, हमको अपना डिसिप्लिन में रहना होगा, हमको अपना व्यवहार दूसरों के प्रति, घर के प्रति, बच्चों के प्रति अच्छा रखना होगा, जिससे कि वो ही सीखें जो हम कर रहे हैं, वो अच्छी चीज सीखें। दूसरी चीज कि आजकल जो हम माहौल देख रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी चीज मिसिंग कर रहे हैं इस समय माहौल में, और हमने आपके सेशन में भी मिस किया है उस चीज को, कि जो व्यवस्था है। अभी हम आपको एक इसका एग्जाम्पल देते हैं, मैं क्योंकि जो भी बात बोलूंगा प्रैक्टिकल बोलूंगा। अभी हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि जितना भी क्राइम बढ़ रहा है बच्चों का, जो कॉलेज पास आउट स्टूडेंट हैं, जो कि पास आउट हो रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है। अभी हमने एक एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा था, तो वहाँ जस्ट हमारी बात चल रही थी, बाहर टाइम था, तो बाहर के जो पुलिस वाले थे उनसे हमारी बातचीत चली, तो उनको उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया, आपको क्या लगता है कि जितना भी क्राइम हो रहा है इस समय कौन कर रहा है? तो मैंने कहा वही गुंडे बदमाश होंगे, वही कर रहे होंगे, स्ट्रीट शीटर जो भी हैं। कह रहे नहीं, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, 90% जो क्राइम हो रहा है वो कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट कर रहे हैं, जो एकदम से लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, एकदम से पैसा कमाना चाहते हैं, वही जी रहे हैं। पहले एक जमाना था, हम लोग संबंधित जो मोहल्ले होते थे, जो कॉलोनियां होती थी, वहाँ जो स्ट्रीट शीटर होते थे उनको उठा लाते थे, तो वही निकलते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम सर जो शिक्षा की प्रणाली है जिसमें एक नैतिक शिक्षा आती है, हम उसको मिस कर रहे हैं। हम वो बच्चों को दे ही नहीं पा रहे हैं नैतिक शिक्षा का माहौल, ना उनकी स्कूल में ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है, ना काउंसलिंग अवेलेबल है कि हम स्कूल में दें फिर कॉलेज में दें, जिससे कि बच्चा जब बड़ा हो जॉब में जाए या उसको जॉब नहीं भी मिलती है तो वो गलत काम ना करे, वो अपराध की दिशा में नहीं जाए। ये सबसे बड़ी चीज हम मिसिंग कर रहे हैं। अभी भी देखिए, जो हम बात करते हैं नैतिक शिक्षा की, तो नैतिक शिक्षा में भी हम कुछ गाइडलाइंस बना देते हैं, कुछ डू एंड डोंट बना देते हैं। बिल्कुल। तो बच्चे को वहाँ पे भी बच्चा सेल्फ एक्सप्लोर कर पाए, अपने में जांच परख कर पाए, ऐसा बहुत हम नहीं करते हैं, नहीं कर तो पा रहे। बच्चे को तो कुछ इस तरह का हम कुछ शिक्षा संस्कार दे पाए ताकि वो बच्चा भी जांच परख कर पाए, और हम तभी दे पाएंगे जब हम जांच परख कर पा रहे हो। तो ये लगता है कि अगर हमारे में जांच परख की काम प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो हम बच्चे में भी ये बात जो है वो एक नेचुरल फ्लो में चली जाती है, हमको कुछ उसको करना नहीं पड़ता है कि बहुत फोर्स करना पड़े कि ये तुम भी जांच परख करो, ऐसा नहीं करना पड़ता, वो एक नेचुरल फ्लो में चली जाती है। जी सर। सर तीसरी चीज एक और आ रही है सामने, जो आपने बात बोली कि जो बच्चे हैं आजकल शादी की तरफ उनका झुकाव कम है, शायद वो माँ बाप को लड़ते हुए देखते हैं या वो चीज वो उस तरफ नहीं जा रहे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण। मैं आपको जीता जाता एग्जांपल अपने घर का ही बताता हूँ। मेरे जो कजिन ब्रदर हैं उनकी लड़की बड़ी हो गई, कॉलेज पास आउट हो गई, वो मैरिज नहीं करना चाहती है। तो जब मैं उससे मिला फरीदाबाद में जाके, तो मैंने उससे पूछा, बेटा क्या बात है ऐसा, इस तरफ तुमने एकदम से अचानक झुकाव बंद क्यों कर दिया और क्यों नहीं करना चाहती हो? तो उनके माँ बाप में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस था, लड़ाई झगड़ा था, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं था कि बच्चा के मन में ये बात आए कि वो मैरिज नहीं करेगी कभी। उसने अभी माइंड में बिल्कुल सेट कर लिया कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो मैंने उससे पूछा बेटा, तो उसने बताया कि क्या करेंगे मैरिज करके, हमारे मम्मी पापा भी तो आपस में लड़ते हैं, तो अगर यही सब करना है तो फिर शादी करके फायदा क्या? तो मेरे को लगा नहीं, कहीं ना कहीं कुछ और भी कमी है जो मुझे ये बता नहीं रही है। तो मैंने उससे और थोड़ा सा बात करके, क्योंकि वो मैंने बचपन से उसे पाला था तो बड़ी मेरे सामने ही हुई है, तो वो भले अच्छे से मेरी बातचीत होती है उससे, तो उससे चाचू चाचू करके मुझसे बात करती है, बहुत अच्छे से हर चीज मेरे से शेयर भी करती है। मैंने उगलवाया उससे कि बेटा ऐसी क्या बात है, आउटराइट मैरिज क्यों नहीं करना चाहती? उसने कहा कि चाचू सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये तो है ही कि मैंने अपने माँ बाप को देखा है, बट मैंने आप लोग को कभी लड़ते झगड़ते नहीं देखा, आप लोग तो बड़े अच्छे से रहते हो। लेकिन दूसरा कारण है सर, वो बाउंड्रीज, आजकल के बच्चे बाउंड्रीज नहीं लेना चाहते, चैलेंज नहीं लेना चाहते हैं दूसरे के माँ बाप का शादी करके, जो बाउंड्रीज होती है कि भी टाइम से आओ टाइम से जाओ और अपनी नौकरी ना छोड़ के करना है नहीं करना है, वो बाउंड्री का चैलेंज नहीं ले रहे हैं आजकल के जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, वो कहते हैं ठीक है माँ बाप संपन्न है
खाने पीना पैसा समृद्ध है, पैसा भी है, तो क्यों शादी की जाए? वो क्यों उन बाउंड्रीज का चैलेंज लिया जाए? बिना बाउंड्रीज के भी तो ठीक है ना, हम रह तो रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तो वो हम चैलेंज क्यों लें? तो वो बाउंड्रीज का चैलेंज नहीं लेना चाहती, जबकि हमने उन्हें बहुत समझाया, अभी भी मैं उस काउंसलिंग अच्छा कर ही रहा हूं कि ये भी एक लाइफ का चैलेंज है। थोड़ा सा चैलेंज हमारे पास क्या है, समय बिल्कुल कम है हेमंत जी, आधा घंटा है और प्रकृति की चर्चा बची हुई है, अस्तित्व की चर्चा कल करेंगे, बिल्कुल, तो बिल्कुल, की चर्चा बची हुई है। तो नहीं, आप काफी एक अच्छी चर्चा हो रही है और सभी लोगों को हम लोग इनवाइट करेंगे कि कभी अगर ये जो परिस्थिति अभी है ये ठीक होती है तो हम लोग 8 दिन की जो जी, मेरे को जो इनपुट से मैंने कहा आपको दूं उसमें जो है उससे सभी लाभान्वित होंगे और इसलिए मैंने अपने इनपुट दिए आपको। और ये सर नैतिक शिक्षा पे व्यवस्था पे काम होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हो रहा है सर, क्योंकि कैरेक्टर बिल्डअप बिल्कुल नहीं है। हम ही आप मिल के करेंगे, कोई और तो करेगा नहीं, हम ही आप मिल के परिवार से समाज से शुरू करेंगे। जी जी सर, थैंक यू वेरी मच।